युवाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदय मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद सभी ग्रहात भगवे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात कर शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री माध भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज नित्रीला प्रविष्ट भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज अन्यान्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथाजो के प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित महाराज ने कली को चार जगह पर स्थान दिया। तात्पर्य है अगर कलियुग में केवल हम चार नियम का पालन करें और थोड़ी सी भगवान के नाम अगर जप कर ले तो हमारी उद्धार हो जाएगी। धर्म का प्रथम चरण सत्य है, इसलिए जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो झूठ गोबर में झूठ झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए जुआ खेलने से अवैध रूप में स्त्री संग करते हैं, मतलब है संसार करो, शादी करके पति पत्नी मिल करके संसार करनी चाहिए, लेकिन बगैर शादी के अवैध रूप में जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं, शास्त्र ये चीज को स्वीकार नहीं करता। कहते यहाँ पर धर्म का दूसरा चरण पवित्रता, ये पवित्रता यहाँ पर नष्ट हो जाती है। तीसरा जो धर्म का चरण है कहते शौच है, इसलिए कभी भी नस्ली वस्तु को ग्रहण नहीं करनी चाहिए, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज़ को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ ग्रहण करने से जीवन में जो तपस्या ये तपस्या नष्ट हो जाती है। और धर्म का जो चौथा चरण तैयार है ये दया, कहते जीव हिंसा करने से ये दया नष्ट हो जाती है। जीव हिंसा में जैसे मांस खाना मछली खाना अंडा खाना ये सब चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ये तीनों जो पाप में सबसे जो बड़ा पाप बताया ये मांस मछली अंडा खाना, इसको सबसे बड़ा पाप बताया गया। इसको खाने से हृदय से दया नष्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे हृदय में दया हो हम कभी भी किसी जीव को काट कर कभी खा नहीं सकते। ये दया हीनता की ये परिचय है, इसलिए इसको कहते हैं मांस। ये संस्कृत शब्द है, मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, मतलब अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं मीट। मीट मतलब क्या, मी ईट, मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, मतलब अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में फिर जो हमें खाएगा। इसलिए भागवत में बताए जे तो नैवं पितः सतु सदा सतभिमानिनः पशुं दृहन्ति प्रसत्या प्रत्याघाजन्ति ते का, ये भागवत का श्लोक है।
बोले इसी जीवन में हम जिसको खा रहे हैं कृपाद दूसरे जीवन में फिर वही हमें खाएगा। इसलिए ये जीव हिंसा त्याग देनी चाहिए। जब श्री परीक्षित महाराज कलिजू को ये चार जगह स्थान दे दिया तभी ये कलिजू खुश नहीं हुआ। बोले मैं कहाँ कहाँ ढूंढू, कौन जुआ खेल रहा है, कौन मांस खा रहे हैं, कौन शराब पी रहा है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढू, मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो जो एक स्थान पर सारे चीज मिल जाए। तो उन्होंने सुवर्ण में स्थान को दिया। सुवर्ण मतलब होता है ये पैसा है। आप देखना ये जितने अधर्म काम हैं, जहाँ पर ज्यादा पैसा वहीं पर ज्यादा अधर्म होता है, वहीं पर जितने सारी गड़बड़ी होती है। यहाँ प्रश्न है भैया पैसा तो लक्ष्मी है, पैसा को तो लक्ष्मी कहते हैं और मूल लक्ष्मी से राधा रानी, फिर ये राधा रानी में इस सारे पाप कैसे आ सकती है। देखो ये चीज को समझो, कहती ये जो लक्ष्मी की दो वाहन है, लक्ष्मी का पहला वाहन है उल्लू। आप देखना लक्ष्मी वो उल्लू के ऊपर बैठती है, मतलब घर में जब ये लक्ष्मी आती है वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है, फिर हमें ये उल्लू बनाती है। लेकिन लक्ष्मी की दूसरी वाहन है गरुड़। आप देखना ये गरुड़ के ऊपर में लक्ष्मी कभी अकेली नहीं बैठती, ये नारायण को साथ में ये लक्ष्मी बैठती, मतलब है हाँ लक्ष्मी को बुलाओ लेकिन अकेले मत बुलाया करो। लक्ष्मी आओ आपका हम भोग करेंगे, फिर लक्ष्मी ये उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगी। लेकिन लक्ष्मी तो हमारी है ही नहीं, ये चीज को याद रखो, लक्ष्मी हमारी नहीं, ये लक्ष्मी नारायण की है। अगर नारायण की सेवा के लिए अगर बुलाते हो फिर वो उल्लू के ऊपर नहीं, फिर वो गरुड़ ऊपर बैठ करके आएगा। और ये गरुड़ वैकुंठ में रहते, गरुड़ वैकुंठ में मतलब वो जो लक्ष्मी अपना घर को वैकुंठपुरी बना देती, हमारा घरों को घर को वो गोलोक वृंदावन बना देती है। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ लेकिन भगवान की सेवा के लिए बुलाओ, अपना भोग के लिए मत बुलाया करो, फिर तो उल्लू को ऊपर बैठ करके आएगी और हमें वो उल्लू बनाएगी और जितने दुख कष्ट और जितने समस्या लेकर के लक्ष्मी आएगी। क्योंकि लक्ष्मी को हम भोग नहीं कर सकते हैं, अगर भोग करना चाहेंगे तो भले ही पैसा आएगी लेकिन वो घर में शांति सुख नहीं रहेगी, वो घर में शांति सुख नहीं रहेगी। क्यों? लक्ष्मी को हम भोग कर ही नहीं सकते हैं, और लक्ष्मी को भोग तो केवल नारायण ही कर सकते हैं। जब वो उनकी सेवा में लक्ष्मी लग जाए फिर लक्ष्मी आशीर्वाद दे, बेटा खूब फलते फूलते रहो, बेटा खूब सुख शांति में घर में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी श्री परीक्षित महाराज ने कभी जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, कभी इतनी जोर से उनको प्यास लगी, वो पानी ढूंढते ढूंढते एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, उनसे पानी मांगे, पानी नहीं दिए, उनके गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प को डाल करके आ गए। अभी उनको बच्चे सिंह ऋषि को पता चलते ही उन्होंने अभिशाप दिया है, बोले जिसने मेरे पिताजी की गले में मृत सर्प डाल दिया मैं अभिशाप देता हूँ, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। लेकिन ये बात जब श्री परीक्षित महाराज को ये बात पता चला, अगर हमें कोई बोल दे भैया 7 दिन में तुम मर जाओगे, फिर तो हम उसी समय तो आधा ही मर जाएंगे। लेकिन ये बात को सुन करके परीक्षित महाराज वो दुखी नहीं हुए, खुश हुए। बोले क्यों खुश हुए? बोले एक दिन तो सबको मरना ही पड़ेगा, लेकिन ठाकुर का कितना आशीर्वाद, देखो 7 दिन पहले हमें ठाकुर जी सूचित कर दिए तुम 7 दिन को बाद में मरने वाले हो। अब देखना हमने जो श्वास छोड़ा है हमारे दूसरे श्वास भी हम ले पाएंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 7 दिन पहले मैं मरने वाला नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने सब कुछ उन्होंने त्याग दे करके उन्होंने श्री गंगा किनारा को आश्रय किया, क्योंकि जो गंगा है ये भगवान के चरणों में है। मानो उन्होंने ठाकुर जी की चरण को उन्होंने आश्रय दिया।
उसी समय कोई टेलीफोन टेलीग्राम नहीं होता था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में ऐसे दिव्य ज्ञान होता था। सब ऋषि मुनियों को पता चला गया यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे और ये 7 दिन तक भागवत कथा होगी। वहां पर 88,000 ऋषि लोग वहां उपस्थित हुए। तब परीक्षित महाराज कहते हैं, ये मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, ये मेरे ऊपर में ठाकुर का आशीर्वाद है। जीवन में एक सत्पुरुष दर्शन दुर्लभ है, लेकिन यहाँ पर देखो 88,000 ऋषियों का यहाँ पर समागम है। ये तो मेरे ऊपर में भगवान की कोई विशेष कृपा है, क्योंकि बिनु सतसंग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक भगवान की आशीर्वाद नहीं हो तब तक ये संत पुरुषों का दर्शन नहीं मिलता है। तो उन्होंने ऋषि मुनियों को प्रश्न की झड़ी लगा दी, बोले हे ऋषियों, आप कृपा करके बोलो, सबको एक दिन मरना है। जगत में ऐसे कोई नहीं बोल सकता है हमें मरना नहीं, आज हो कल हो परसों हो बरसों हो, सबको तो मरना एक दिन है। लेकिन ये मरणशील व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? लेकिन वहां पर जितने ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे, बोले नासो मुनि जस्य मतम न भेद, ऐसे कोई ऋषि नहीं था जिसका मत ही अलग नहीं था। किसने कहा, भैया एक काम करो, इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है ना, श्री विघ्न विनाशनकारी श्री गणेश जी को पूजा करो। किसने कहा, गणेश की उसका क्या, माता क्या चली गई, नवदुर्गा की व्रत रखो ना। बोली नवदुर्गा व्रत तो 9 दिन के और इनके पास में 7 दिन है। किसने कहा, भैया मृत्युंजय पाठ करो, बोले वो भी 48 दिन की है। किसने बोले, शंकर जी की पूजा नहीं करते हो। वहां पर तो बात वितंडा शुरू हो गई। परीक्षित महाराज ने देखा, यद्यपि ये सबके साथ एक ही सिद्धार्थ में पहुंचेंगे, लेकिन का बरसा जब कृषि सुखाई, मेरे पास में तो कुल 7 ही दिन है, लेकिन ये लोग तो तर्क वितर्क में लग गए। तब उन्होंने ठाकुर जी की चरण में शरणागत हो गए। बोले ठाकुर जी, आप ही मुझे मातृगर्भ में दर्शन दिया था, अभी मेरी अंतिम समय है, केवल एक ही व्यवस्था कर दो, जैसे 7 दिन तक तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरी समय बीत जाए। जब हृदय से प्रार्थना की तब भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट होते हैं। जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए वहां पर उनको पिताजी के पिताजी के पिताजी सबके सब बैठे हुए थे, कोई 50 साल, कोई 100 साल के, कोई 200 साल के, कोई 500 साल के वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी गए, सबको उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए व्यास गति पर बैठ गए। बैठ जब गए तब श्री परीक्षित महाराज उनको प्रश्न करते हैं, बोले अतः पृच्छामि सब सिद्धि जोगिनांग परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, अतः पृच्छामि सम सिद्धि। सम सिद्धि का मतलब होता है, आप देखना इस जगत में आपको जितने पैसा मिल जाए कोई तृप्त नहीं जगत में। अंबानी को पूछो, तेरे पास में इतने पैसा, क्या तेरे को तृप्त मिल गया? अब भले ही आपको जितना मिल जाए, इसलिए कहते राजा कहे महाराज सुखी, महाराज सुख कहे इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख विकारी। इसलिए इनका प्रश्न है, जगत में इसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने पर जीव को ये लगे आज मेरे पूर्ण हूं, मेरी किसी चीज की कमी नहीं, अभी मैं पूर्ण हो गया हूं। जगत में ऐसे कौन सा चीज है जिसको पाने का बाद जीव संपूर्ण तृप्त हो जाए? इसलिए अतः पृच्छामि सम सिद्धि एवं पुरुषस्य यत् कर्तव्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक दिन सबको ये संसार से जाना पड़ेगा, कोई बोल नहीं सकते हम लोग चिरकाल के लिए यहाँ पर रहेंगे, सबको यहाँ से जाना ही पड़ेगा एक दिन। जिसको जाना पड़ेगा उसका क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, आप कृपा करके
ये सारे प्रश्न का अब उत्तर दो। अभी ये प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, देखो बरियान असते प्रश्न, कि तुम्हारे जो प्रश्न है बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किए, जो प्रश्न को आत्मा में जो रमण करने वाले जो योगी लोग भी उसको प्रशंसा करेंगे। तो उन्होंने इसका उत्तर दिया है, बोले तस्मात सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृति तपस्या स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जगत से कोई अभय पाना चाहते हैं, पूर्ण रूप में तृप्त होना चाहते हैं, उसको क्या करनी चाहिए? बोले उसको तीन काम करनी चाहिए। बोले भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की कीर्तन करनी चाहिए और भगवान को स्मरण करनी चाहिए। इसलिए बोले हे परीक्षित महाराज, ये जो मानव शरीर है, कभी ये बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है, जिसको भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं। बोले क्या समझाते हैं? बोले बड़े भाग मानो सन पा शरीर है, ये 84 लाख जन्म के बाद एक बार मिलता है। कहते सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवता, कहते ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन ये जो दुर्लभ शरीर, ये मानव शरीर को बताया, क्यों बताया? बोले कारण है, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये 84 लाख जन्म में कोई भी भगवान के नाम नहीं ले सकता है, ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर सकता है, भगवान को स्मरण नहीं कर सकता है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए सारे इनका दरवाजा, मुक्ति की दरवाजा इनके बंद है, सबका मुक्ति की दरवाजा इनके बंद है, लेकिन केवल ये मानव शरीर में ये मुक्ति की दरवाजा ये मानव शरीर में खुला हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं, लेकिन एक पाई न जाइए पर लोक सवार, लेकिन ये मानव शरीर धारण करके दुनिया के सारे काम हमने कर लिया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया तो कब सब जीरो है, लास्ट में निकलेगा सब जीरो है। इसलिए देखना मरते समय भले ही जिंदगी में जो कुछ करना करना, लेकिन जो मरते समय चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते हैं? बल्कि राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सबका विवाह झूठा है। बोले जीवन में प्रभु के भजन के सिवाय तुमने जो कुछ किए थे वो झूठे में बिताए, और तेरे साथ में केवल प्रभु का नाम जितने किए हो, जितने प्रभु की भक्ति किए हो, अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं और सब जीवन तुमने झूठे में बिताया है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन ये मानव शरीर पा कर हम करते हैं क्या? मतलब चार काम करते हैं, कि दिन में 2 काम और रात में 2 काम है। बोले दिन में 2 काम क्या करते हैं? बोले पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा करके परिवार को मेंटेनेंस करते हैं। बोले रात को क्या करते हैं? बोले सोते हैं और विषय भोग करते हैं, बच्चे जन्म देते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, बताओ ऐसे कौन सा जानवर नहीं जो ये काम को नहीं करता है, ऐसे कौन सा जानवर नहीं जो ये काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे गुरुजी एक समय कथा सुना देते, बोले एक समय कोई एक जज जा रहा था, अब ध्यान देखने सुनो, एक कोई जज जा रहा था, देखा है कि सूअर लेटा हुआ,
वो बूट पहना हुआ था, वो सुअर को बड़े जोर से उन्होंने मारा। सुअर ने कहा, भैया तू मेरे क्यों मारे? बोले तू सुअर, बोले तू कौन? बोले दिख नहीं रहा है मैं जज हूं। देखो सुअर क्या प्रश्न करता है, बोले ये बताओ मेरे से तुम किस चीज में बड़े हो? वो जज कहता है, पूछो कौन सा चीज में बड़ा नहीं। वो सुअर ने पूछा, तेरे कितने बीवी है? बोले एक। सुअर ने कहा, देखो जितने सुअर ही ना 15-20 लेट हुए, ये सब मेरी बीवी है, ये सबको साथ में रहता, इससे तू फेल हो। बोले जिंदगी में कितने बच्चे तुमने जन्म दिया? बोले 2, 4, 10। बोले मैं 6 महीना में एक बार जन्म देता हूँ, 1 दर्जन से कम नहीं, कभी कभी 15-20 हो जाता है, 15-20 बच्चा जन्म देता हूँ, इसमें भी तुम फेल हो। बोले ये बताओ तुमने ये बच्चों को पालना करने के लिए जिंदगी में क्या किया? बोले पहले माइनर स्कूल में गया, फिर हाई स्कूल गया, फिर यूनिवर्सिटी गई, फिर कोई डिग्री को प्राप्त की। बोले बड़े कष्ट से कोई एक नौकरी मिली, फिर उसमें 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम किया, फिर पैसा कमा करके संसार को पालता हूँ। सुअर कहता है, ये बच्चों को पालना करने के लिए मैंने कोई माइनर स्कूल नहीं गया, कोई हाई स्कूल नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, कोई डिग्री प्राप्त हमने नहीं की है, इनको मैं ऐसे ही पाल लेता हूँ, ऐसे ही इनको पाल लेता हूँ, कोई मेरे कोई काम करना नहीं पड़ता है, बिना काम से इनको मैं पाल लेता हूँ। उसका चौथा प्रश्न था, बोले ये बताओ बच्चों को बड़ा बनाने के लिए तुमने क्या क्या किए हो? तुमने क्या क्या किया बच्चों को, कितने दिन में बड़ा बनाया? बोले 20-25 साल से लग जाता है, एक बच्चे को लिखा पढ़ाई सिखा और नौकरी चाकरी को उसको शादीशुदा कराओ, जब तक शादीशुदा नहीं करा देते हैं पिता माता सोचते हैं हमारा ड्यूटी खत्म नहीं हुआ। उसने कहा, जानते हो ये एक एक दर्जन 12-12, 15-15 बच्चों को कितना दिन में बड़ा करता हूँ? कुल 1 महीना में इनको होनहार कर देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर ये घर गृहस्थी करने लग जाता हूँ। सुअर प्रश्न करता है, तेरे को रात को नींद आती है? जिसको ज्यादा संसार का कोई बोझ हो, बेटा बेटी की शादी दिलाना हो, नौकरी दिलाना हो, बोले तुमको एयर कंडीशनर रूम में भी गोली खाने पर भी तुम्हें नींद नहीं आती होगी, लेकिन मेरा नो टेंशन, कीचड़ के ऊपर मैं आराम से मैं सोता हूँ, मेरे कोई टेंशन नहीं। आप लोगों ने सुना कभी कोई जानवर को सुसाइड करते हुए कभी सुने? कोई जानवर कभी सुसाइड करे कब सुने कभी? लेकिन इंसान सुसाइड करता है डिप्रेशन में। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो काम करके अपना जीवन को हम बड़े सक्सेसफुल मानते हैं, ये कोई सक्सेसफुल जीवन नहीं। ये जानवर भी खाता पीता, बच्चे जन्म देता है, वो भी दुनिया को पालता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते क्यों ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ बताया गया? ये राम स्वयं कह रहे हैं, ये अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, कहते इसीलिए ये जीवन का इतना दुर्लभ है, ये 84 लाख जीवन में एक ही जीवा मिला जिसमें तुम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हो, 2 ही कान हमें दिए जिसमें तुम भक्ति भगवान की कथा सुन सकते हो, 2 ही हाथ दिए जिसमें ठाकुर को सेवा कर सकते हो, 1 ही हृदय दिए जिसमें हम भगवान की स्मरण कर सकते हैं, 2 ही प्यार दिए घर से यहाँ तक सत्संग में आए। इसलिए भगवान कहते ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये राम स्वयं कह रहे अयोध्या वासियों को, इसीलिए ये मानव शरीर को श्रेष्ठ बताया, केवल भगवान की भजन इस जीवन में होता है। भगवान कहते जो भजन नहीं करते हैं वो 2 प्यार की पूछ और सींग कट जाने वाले एक जानवर है, वो इंसान कहने का लायक है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते भैया ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, क्यों? इसी जीवन में ही तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, और किसी जीवन में तुम्हें भगवत प्राप्ति तुम्हें होने वाले नहीं है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई बोल नहीं रहे हो, मैं अकेला बोल रहा हूँ। अभी मैंने बताया ना, एक ही जीवा मिला है जिस जीवा से ठाकुर का नाम ले सकते हैं, और किसी जीवा में नहीं। चले जोर जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम।
बलसी वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भागवत में ये सृष्टि की वर्णना कर रहे हैं। बोले सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए। जब ब्रह्मा जी सृष्टि हुए चारों तरफ उन्होंने पानी पानी देखा, फिर उन्होंने कमल नाड़ में कितने हजार तक उन्होंने संधान की, कोई संधान नहीं मिली। फिर व्यंजन वर्ण का 16वां 21वां अक्षर सुने, त और प। भगवान बोले तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या किया, फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। बोले ब्रह्मा जी ये सृष्टि का क्रम को बढ़ा। तब ब्रह्मा जी सर्वप्रथम चतुसन को सृष्टि की, फिर उन्होंने शंकर जी को सृष्टि की, फिर उन्होंने कर्दम ऋषि, फिर उन्होंने दस पुत्र, फिर उन्होंने श्री मनु और शतरूपा को सृष्टि की। मनु महाराज से 5 बच्चे जन्म हुए हैं। कहते आकुति देहुति प्रसूति 3 बेटी और 2 बेटे, उत्थान पाद और प्रियव्रत। सृष्टि का क्रम यहीं से हुई है, इसलिए ये मनु महाराज से सृष्टि हुई, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। हमको क्या कहते हैं? मानव। क्यों? हम मनु महाराज से सृष्टि की। लेकिन हमारी जो साइंस है, जैसे डार्विन नाम सुने होंगे, एक साइंटिस्ट डार्विन हुए हैं। ये डार्विन थ्योरी कहता है हम बंदर से हुए। वो क्या कहता है? बंदर से हुए। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है बंदर से नहीं हुए, हम भगवान से हुए। हम भगवान से हुए हैं। हमारी कोई भी शास्त्र नहीं कहता है हम लोग बंदर से हुए। देखो हमारी हिंदू धर्म गीता है, आप गीता को पढ़ो। गीता में कृष्ण खुद कहते हैं मम इबांस जीव लोके जीव भूत सनातन। ये कृष्ण खुद कहते हैं। कहते हे अर्जुन, जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए हम कहते हैं ना तुम्हें वो माता च, बोलो उसको बाद में क्या है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें व बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें सर्वम। ये कहता है हमारी भगवत गीता। आप क्रिश्चियन का पूरा क्रिश्चियन का बाइबल को पढ़ो, ये बाइबल में लिखा हुआ है। बोले गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल का वाणी है। बोले भगवान ने अपना जैसे जीव को बनाया। आप मुसलमान का पुराण पढ़ो, पुराण में लिखा हुआ अल्लाह ने इंसान को अपना जैसे सूरत दिया, ये कुरान में लिखा हुआ। इसलिए हर शास्त्र कहता है भगवान से हम सृष्टि हुए हैं, ये बंदर से सृष्टि नहीं हुए। अगर बंदर से सृष्टि होते तो अभी कितने सारे बंदर हैं, कितने सारे बंदर से, अभी कोई बंदर से कोई इंसान बन रहा है कोई? कहते भैया उसी समय ये बंदर से क्यों इंसान बन गया, अभी तो बंदर है ना, अभी कुछ बंदर से तो इंसान बन जाए। इसलिए ये डार्विन मरने से पहले ये बोल कर गया है, डार्विन खुद बोल कर गया, ये सरकार ने मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, तुमने प्रूव करके दिखा दो ये जो इंसान बंदर से हुए। बोले क्यों? बोले लोगों को नास्तिक बनाने के लिए। ये स्वयं मरने से पहले बोल कर गया। उसने क्या किया कि गरीला एक बंदर उसका खोपड़ी को लेकर लगा दी, लगा करके बोले देखो पहले कैसे बंदर थे और बंदर से धीरे 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 इंसान कैसे हुए। वो गरीला एक बंदर का खोपड़ को लगा करके दिखा दिया, बोले प्रूफ कर दिया। लेकिन हम बेवकूफ ये चीज़ को हमने मान लिया। लेकिन वो मरने से पहले खुद बोल कर गया है भैया बंदर से कभी इंसान नहीं बनता है। कहते ना उसका पूछ कटते 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 खत्म हो गया, जो बीच में पूछ जो कटते कटते खत्म हो गया, बीच का अंश गया था खरे, समझ रहे कि नहीं? बीच का अंश भी गया था उसका, कटते कटते खत्म हो गया, तो बीच का अंश कहाँ गया? इसलिए एक समय साइंटिस्टों ने एक समय बंदर का ब्रेन को इंसान में लगाना शुरू किया, उन्होंने सोचा इसको लगाए। वो इंसान का खोपड़ी में लगाए तो जैसे बंदर छलांग लगाते हैं ना, वो इंसान भी छलांग लगाना शुरू कर दिया। क्यों? वो बंदर का दिमाग जैसे करेगा ना, उसका कोई भी एक पार्ट इंसान में नहीं लगा सकते। आप भगवान का सूरत देखो, जैसे कृष्ण है, जैसे भगवान राम है, देखो कृष्ण राम है, अपना चेहरा को लेकर के लगा करके दिखाओ भगवान का जैसे हम ऐसे कि नहीं। राम का जैसे नाक देखो हमारा जैसे नाक है, भगवान राम के 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ ऐसे देखो, भगवान राम का छाती जैसे हमारा छाती ऐसे, उनको 2 प्यार हमारे भी 2 प्यार है। एक बंदर को साथ में मिलाओ
तुम्हारी कौन सा अंग, हाथ मिलेगा ना तुम्हारी प्यार मिलेगा ना आंख मिलेगा, कौन सा मिलेगा? इसलिए हम कोई भी बंदर से नहीं हुए, इसलिए हमारे जो इस्कॉन को जो स्थापन किए भक्ति वेदांत से स्वामी महाराज, वो कहते थे ये डार्विन का पिता माता बंदर थे, लेकिन हमारे पिता माता बंदर नहीं थे, हमारे पिता माता तो भगवान राम थे और हमारे पिता माता भगवान कृष्ण थे। देखो जब ब्रह्मा जी ने 10 संतान को सृष्टि की, देखना हमारे सब गोत्र अलग है, आपका क्या गोत्र है पता है तुम्हें, क्या गोत्र है, क्या गोत्र तुम्हारे, तुम्हारी गोत्र क्या है, क्या बोलो, गोत्र क्या है बोलो, क्या गोत्र तुम्हारे, आपका गोत्र क्या है? देखो इस सबका गोत्र अलग, भैया गोत्र कहां से आई है? ब्रह्मा जी ने जब सुने 10 संतान को सृष्टि की, जिस ऋषि से हमने आई है, जिस ऋषि की परंपरा से आए हैं, हमारा गोत्र वही गोत्र है। इसलिए भारत में देखना सभी की गोत्र अलग अलग गोत्र है, क्यों? हम वो ऋषि की परंपरा से हम लोग आए, इसलिए हम बंदर से परंपरा से हमने नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पर हमने मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको क्या कहते हैं, हमें मानव कहते हैं। देखो एक समय आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे, एक समय पृथ्वी का जितने सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, पृथ्वी का जितने सारे साइंटिस्ट, बोले क्यों इकट्ठे हुए, बोले इसलिए इकट्ठे हुए क्या सचमुच से हमें बनाने वाले कोई है ना, प्रकृति से अपने आप बन गए ना, जो विश्व ब्रह्मांड है वो अपने आप बना ना, उसका कोई बनाने वाले कोई है, इसलिए सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए। लेकिन ये आइंस्टाइन ने किया कि जिस हाल घर में वो सबका इकट्ठे होने का था, उसने दरवाजा में एक बड़ा सुंदर एक मैप उन्होंने बनाया, ये ब्रह्मांड का कैसे सुंदर झरना बह रही है, बड़ी सुंदर कैसे पर्वत है, कौन सा ग्रह कहाँ पर काम कर रहा है, हाँ सारे ग्रह कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बड़े सुंदर एक मैप उसने बनाया, बड़ा सुंदर उन्होंने बनाया और गेट के पास में उसने रख दिया। रख करके जितने सब साइंटिस्ट जब आए, वो चारों तरफ में घेरे गए, बड़ी सुंदर झरना बह रही है, कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ये पृथ्वी चल रहा है, हैं उसने बड़ा सुंदर अद्भुत बनाया, उसने सबके सब आकर के चारों तरफ में घेरे करके देखने लग गए, भैया इतने सुंदर बनाया किसने, बड़ा सुंदर बनाया। तब तो आइंस्टाइन को पूछे, भैया इसको बनाया किसने, बोले नहीं किसने बनाया नहीं, अपने आप बन गया। बोले क्या पागल है, बिना बनाए अपने आप कैसे बन गया? तो आइंस्टाइन ने कहा, तुम लोगों को मैं यही समझाना चाह रहा था, जब ये साधारण चीज बिना बनाए बनी नहीं सकती है, और ये दुनिया का जो सृष्टि देखो, भले ही हम उठने में 10-5 मिनट देर हो जाए, सूर्य उदय होने में 10-5 मिनट देर होती है, देर होते हैं, देर नहीं होती है, हैं? जैसे हम लोग मोबाइल स्मार्टफोन इंटरनेट सब व्यवहार करते हैं, वो ऐसे चल रहा है, ऐसे कोई मशीन ऊपर छोड़ा हुआ है, हैं? कोई मशीन ऊपर छोड़ा हुआ है, वो सारे कैच करते हुए सब कुछ करवाता है। जगत में कोई भी चीज देखना, बिना बनाए कोई भी चीज नहीं बनती है, इसलिए हमारे हिंदी में कहते हैं ना, उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी, अब बोलो एक पत्ता भी हिलता है, इसलिए ये भागवत में ये भगवान स्वयं कहते हैं, देखो ये श्लोक है, कहते ना उनके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी, ये भागवत का श्लोक है, ये भगवान खुद कहते हैं, बोले मत भैया तो बाती वास स्वयं सूर्य तपती मत भया बरसति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मत भया। भगवान खुद कह रहे हैं, कपिल देव अपने माँ को कह रहे हैं, बोले माँ ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है, सूर्य जो उदय हो रहा है मेरे डर से, ये चंद्रमा जो उदय होता है मेरे आदेश पर, ये जो वायु बहती है मेरे आदेश पर, ये बारिश ही होती है मेरे आदेश पर, माँ ये विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है मेरी इच्छा के बगैर हो रहा है, मेरे आदेश से ये सारे देवादेवी अपना मेरे आदेश से सारे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। और विशेष करके देखो ये जो हमारे भारत में विशेष करके 3 थ्योरी कॉलेज में पढ़ाई जाती है, 3 थ्योरी वो है, एक बिग बैंग थ्योरी सुने होंगे, हठात बास्ट हो गई एक ब्रह्मांड बन गया, ये एक थ्योरी है। दूसरा थ्योरी बना कॉलेज में भारत में पढ़ाते हैं
ये जो आत्मा नाम का कोई चीज है नहीं, ये धीरे धीरे मछली से कछुआ ऐसे करते 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 ये इंसान बन गया है। ये एक थियोरी है। और जो तीसरे थियोरी है, भगवान भगवान नाम का कुछ है नहीं, अपने आप दुनिया चल रहा है। लेकिन ये जो थियोरी अमेरिका में नहीं पढ़ाई जाती है, ये अमेरिका में नहीं पढ़ाई जाती। देखो हम लोग हिंदू हैं, किसी मुसलमान को कभी भी किसी मुसलमान को बोल सकता अल्लाह है नहीं। कोई भी एक मुसलमान आप बता सकते हो बोल सकता है अल्लाह है ही नहीं। कोई भी क्रिश्चियन को बोल सकते हो गॉड है ही नहीं। लेकिन हिंदू इतने नालायक हिंदू है, जिस धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, पृथ्वी में कोई धर्म नहीं था, केवल हमारी धर्म था सनातन धर्म है। क्रिश्चियन धर्म को कब से आई है? ये 2019 से पहले कुछ था नहीं उनका धर्म। मुसलमान का धर्म कुछ दिन से पहले, लेकिन केवल जो हमारी सनातन धर्म ये अनादि है सृष्टि से पहले। लेकिन यही नालायक लोग ही भगवान को नहीं मानते हैं। आप किसी भी मुसलमान को पूछ लो, देख लो, किसी भी मुसलमान को देख लो, कभी अपना अल्लाह को अस्वीकार करेगा? करेगा कभी? बताओ कोई भी एक मुसलमान को ढूंढ लो। लेकिन ये हिंदू ऐसे नालायक है जिसका धर्म अनादि सत्य, जिसके लिए भगवान बारंबार दुनिया में भगवान आते हैं। कृष्ण को देखो स्वयं कहते हैं, जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान व धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यम। कृष्ण स्वयं कहते हैं जिस धर्म को मैं स्वयं स्थापन करने के लिए मैं इसी दुनिया में आता हूँ। इसलिए भैया देखो, एक समय किसने ध्यान देकर सुनो, किसने हमारे गुरु जी को पास में आए, जो बड़े गुरु जी थे, बोले गुरुदेव ये बच्चा मेरे बात नहीं सुनता है, देखो हमारे गुरु जी ने किया क्या। बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया? बोले नहीं। तो गुरु जी कहे, बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा उसको यही दुर्गति होगी। क्यों? रामायण अगर तुम पढ़ता, रामायण आप पढ़कर देखना, प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता। ठाकुर जी सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरणा छूते थे, गुरु की चरणा छूते थे। अब रामायण देखे कि नहीं? टीवी में देखना, जब दशरथ महाराज शयन करते ही स्वयं भगवान राम जाकर चरण की सेवा करते, स्वयं चरण दबाते। हमारे गुरु जी ने बताए कहाँ भगवान स्वयं पितृ आदेश को पालना करने के लिए 14 साल के लिए ठाकुर जी वनवास गए। किसकी? बोले सौतेली माँ, अपना मैया नहीं, सौतेली माँ की आदेश को पालना करिए 14 साल के लिए भगवान वनवास गए। अपना बेटे को बोलो 14 दिन के लिए हमारा आदेश पालन करो, वो अपना मनमर्जी तो 14 दिन के लिए घूमने जा सकता है, लेकिन 1 दिन के लिए पिताजी का आदेश पालन नहीं करेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे बेटा रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ाओ बच्चों को, तभी तो तुमको आदर करेंगे। करेंगे कहाँ से? स्मार्टफोन तो पकड़वा दिया 10-20 हज़ार रुपया के, जिसमें जीवन बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन तुमने बताया नहीं कभी बच्चे को, बेटा अगर रामायण पढ़ो, थोड़ा गीता पढ़ो, थोड़ा भागवत पढ़ो, संस्कार कहाँ से बनेगी बच्चों की? इसलिए इंडोनेशिया नाम सुने होंगे, मुसलमान कंट्री। आप एक मुरारी बापू का नाम सुने होंगे जो राम कथा करता है। ये मुसलमान कंट्री के लोग हमारे देश से ये मुरारी बापू को बुला करके अपना देश में ले जाते हैं। बोले हमको रामायण सुना। बोले क्यों? बोले हमारे बेटी बहू सती बनी, हमारी बेटी बहू सती बन करके रहे और गुरुजन को आदर करे। भगवान स्वयं कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा दिया है। अगर हम भी संसार को राम राज्य बनाना चाहते हैं, घर में शांति सुख करना चाहते हैं, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, हमारी भागवत को पढ़ो। देखना घर में अगर गीता हो, राम जैसे बेटा हो और बहू जैसे सीता हो ना, तुम्हारी घर नहीं, तुम्हारी घर वैकुंठ हो जाएगी, घर तुम्हारी भगवान की धाम हो जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए यहीं से ये सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए ये मनु महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, आप सुने होंगे, जिसका नाम मनु स्मृति कहते हैं। आप सुने होंगे पति पत्नी को साथ में कैसे व्यवहार होनी चाहिए, बच्चे पिता माता को कैसे व्यवहार करनी चाहिए,
परिवार में कैसे व्यवहार होनी चाहिए, मनु महाराज ने ये मनुस्मृति ग्रंथ बनाया। अगर अपना घर को में शांति सुख अगर रखना चाहते हैं, हमको कैसे ये संसार में रहनी चाहिए, वो मनुस्मृति बनाए। इसलिए वो ग्रंथों को एक बार जरूर आप लोग को पढ़ना, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। क्यों? वो हमारी मूल पिता है। इसलिए संसार में कैसे हम सुख शांति में रह सकते हैं, वो ग्रंथ उन्होंने अद्भुत ग्रंथ बनाए मनुस्मृति नाम का। अगर ढूंढ करके जरूर ग्रंथ को आप लोगों ने पढ़ाई करना। इसलिए ये मनु महाराज जी से 5 संतान हुए। और यहाँ पर जो कथा आती है श्री माता देवहूति की, यहाँ पर कथा आती है, कहते श्री कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की, जिनकी तपस्या से भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन दिए। बोले बेटा बरमाग, बोले आपकी चरण में हमें भक्ति हो। बोले तथास्तु। बोले और कुछ मांगो? बोले मेरे मन में तो कोई संसार की इच्छा है ही नहीं, लेकिन आपकी इच्छा संसार बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा जान करके हम तो संसार करेंगे, लेकिन 2 शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है? बोले पहला शर्त है, अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना, मैं शादी कर सकता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं बेटे बन जाऊँगा। बोले दूसरी शर्त क्या है? बोले तब तक संसार में रहूँगा जब तक बच्चे नहीं हो जाए, उसको बाद में फिर हम भजन करने के लिए चले जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। अभी श्री मनु महाराज, श्री कर्दम ऋषि को साथ में माता देवती की शादी हो गई। जब शादी हो गई, शादी को बाद में फिर ये कर्दम ऋषि भजन में बैठे। एक हजार साल तक उन्होंने फिर भजन में बैठे। और श्री माता जो देवती थी, अपना पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए उसने पति की उसने सेवा करते रहे। अभी पति भोजन नहीं कर रहे, इसलिए उसने भी भोजन नहीं किया। पति कोई श्रृंगार नहीं कर रहे, उसने भी श्रृंगार नहीं किया। जब 1000 साल के बाद उनकी आँख खुली, उन्होंने ये भी भूल गए हमने कभी शादी किया हुआ। सामने देखा एक बुढ़िया बैठी हुई। बोले भैया तू है कौन? बोले आपने कभी शादी किया आपको याद है कभी? बोले ओ तो वही देहूती। वो इतने सुंदर आकृति देहूती, इतनी सुंदर थी, जिनकी सुंदरता को देख करके स्वर्ग का देवता भी मुग्ध हो जाते थे। लेकिन उसने पति की सेवा करते 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 पति की, पति भोजन नहीं कर रहे, ये भी भोजन नहीं करते, क्योंकि नियम है ऐसे नहीं। पति खाए नहीं, पहले खाना बना कर खा लिया, सिखा देते नहीं, जब तक हम पति को नहीं खिलाए, बच्चों को नहीं खिलाए, तब तक खाना नहीं खानी चाहिए। जब पति श्रृंगार नहीं करते हैं, उसने भी श्रृंगार नहीं किया। इसलिए मैं जब अपना घर में था, मैं देखता था घर के जो माताएं हैं ना, सवेरे कभी श्रृंगार नहीं करती थी, वो श्रृंगार करती थी शाम को। बोले क्यों? बोले पत्नियाँ क्यों श्रृंगार करती हैं? वो पति के लिए, दूसरों के लिए उनके श्रृंगार नहीं है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में जो सर पर जो घूंघट डालने का मतलब क्या है, हमारी सुंदरता केवल पति के लिए, हमारी सुंदरता और किसके लिए नहीं। गीता सीता सावित्री सबको देखो सर पर कपड़ा, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए अभी आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो आप देखना, वहाँ पर इस्कॉन मंदिर में जाने सुने होंगे, देखना अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, देखना वहाँ के वो विदेशी लोग होकर के आप देखना माताओं को देखना सर पर घूंघट करते हैं, सर पर कपड़े करते हैं लोग सब। वो लोग हमारी संस्कृति ले रहे हैं। आप लोग रसिया नाम सुने होंगे, रसिया में वहाँ पर लड़कियाँ वो केस कर रहे हैं कि सरकार को साथ में केस लड़ रहे हैं। जानते हो उनका केस लड़ने का क्या तात्पर्य? कहते हैं हम इस साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जा सकते, सरकार के साथ में लड़ रहे हो। रसिया की लड़कियाँ कहते हम साड़ी पहन करके क्यों हम नहीं जा सकते कॉलेज में, लेकिन हमारे देश का लड़कियाँ हम जीन्स पहन कर क्यों नहीं जा सकते। देखो कितने बदलाव, देखो वो लोग हमारी संस्कृति लेने के लिए, जिस संस्कृति में हम पागल है। अब वृंदावन देखना, लड़की लड़कों को देखना गला में कंठी माला तिलक भजन कर रहे हो, वो धीरे धीरे उनकी संस्कृति, हम तो गुड इवनिंग गुड नाइट कहते हैं, उनका मुंह से हरे कृष्ण छोड़कर कोई बात नहीं सुनोगे, राधे राधे कृष्ण की से छोड़कर कोई बात नहीं सुनोगे, इतने वो प्रेम में विभोर है। वो चाह रहे हैं हमारी संस्कृति को ग्रहण करने के लिए, वो व्यक्ति चाह रहे हैं। इसलिए हमारी जो संस्कृति है महान संस्कृति है, महान संस्कृति हमारी संस्कृति है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का, ये संस्कृति ऋषि मुनियों का। अभी देखा देवती ने बूढ़ी बन गई, तब कर्दम ऋषि बोले बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले शादी क्यों किए थे?
आपने बताया था ना अगर आप बेटे बन करके आओगे तो मैं शादी करूंगा, आपने बताया था ना? बोले हाँ। बोले ठीक है जाओ, ये बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो। उसने बिंदु सरोवर में स्नान करते ही इतनी सुंदरी, पहले जितने सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदरी बनकर के प्रकट हुई, हजार दास दासियों को साथ में। और उन्होंने एक विमान सृष्टि किया है जिसका नाम कामक विमान। देखो पहले जो हमारी साइंस है, अभी का साइंस से बहुत एडवांस था वो विमान का। भागवत कहीं पढ़ करके देखो, ये विदेश लोग हमारे देश से वेद पुराण को चुरा छुपा करके लिए। जब भारत भर में राजत्व कर रहे थे वो सारे ग्रंथों को चोरी करके यहाँ पर ले गए, ले करके हमारी ग्रंथों को पढ़े। और हमारी ग्रंथों को पढ़कर जो एरोप्लेन निकाले, कहाँ से निकाले? अब रामायण सुने होंगे, रावण का पुष्पक विमान था। और इन्होंने जो विमान बनाया कहते इसका नाम कामक विमान। कामक विमान मतलब क्या? जिसमें पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत नहीं, जैसे चाहोगे वैसे उड़ेगा। वहां पर वर्णन आई है वो कामक विमान, कहते वो कामक विमान इतने बड़ी थी, कितने क्रोस तक थी, जिसमें सुंदर सरोवर है, जिसमें सुंदर कमल फूल खिले हुए, जिसमें राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं। और वो विमान में बैठने पर कभी किसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, और बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ी नहीं होगी। और ऐसे वर्णन आता है, इतने सुंदर उन्होंने विमान बनाए। अभी दोनों बैठ करके आकाश में भ्रमण करते रहे। अभी उनको बड़ी सुंदर सुंदर नौ कन्या, बड़ी सुंदर सुंदर नौ ठो बेटी हुई। कर्दम ऋषि बोले देवती अभी तो खुश हो गई ना, तुम्हारी नौ नौ बेटी हो गई, अभी तो खुश हो गई। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले भगवान बोल रहे थे ना बेटे बन करके आएंगे, अभी तक ठाकुर जी अभी बेटे बन करके ठाकुर जी अभी तक आए नहीं। तो भगवान भगवान की कृपा से फिर भगवान स्वयं कपिल ऋषि बन करके, भगवान स्वयं कपिल बन करके आए। बोले श्री कपिल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी भगवान कपिल बन करके आए, लेकिन वो भगवान को बोले थे जब घर में बच्चा होगा फिर हम चले जाएंगे भजन करने के लिए, लेकिन घर में बेटी नान और बेटी है, आप लोगों बेटी की शादी की होगी, कराएंगे बेटी को। देखना जब एक बेटी को शादी कराते ना घर खाली हो जाता है, लेकिन इनके पास में नौ नौ बेटी थी। अगर घर में बेटी हो, पिता माता का पहला कर्तव्य है बेटियों का पहले शादी, तो सबसे पहले कर्तव्य बेटियों को सबसे पहले बेटी को शादी करवाओ। और जिनकी घर में नौ नौ बेटी फिर इनको शादी कैसे करवाए? देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर किसकी मन में प्रभु की भजन करने की इच्छा हो ना ठाकुर जी की, भगवान सब खुद करते हैं। इसलिए कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अब भगवान के लिए एक कदम बढ़ाओ, इसलिए आप लोग कथा सुने होंगे नरसिंह भक्त। ये नरसिंह भक्त प्रभु का भजन में डूबा रहता था, घर में बेटी है, लेकिन वो बेटी को कौन शादी करवाएगा? कृष्ण स्वयं नरसिंह भक्त का रूप धारण करते हुए भात भरने के लिए कृष्ण स्वयं जाते हैं। और ठाकुर जी ऐसे शादी कराए ना, कभी अरब खरब पति भी ऐसे शादी नहीं करा सकते हैं। ठाकुर जी इतने सुंदर शादी कराया, इसलिए कहते भगवान का तरफ में एक कदम बढ़ाओ, ठाकुर जी हमारे तरफ में 10 कदम ठाकुर जी बढ़ाते हैं। लेकिन ठाकुर जी का तरफ में एक कदम बढ़ाकर देखो तो सही, ठाकुर जी हमारे लिए ठाकुर जी क्या करते हैं, इसलिए पहले एक कदम बढ़ा करके देखो। हैं अभी उनकी एक समय ब्रह्मा जी उन्होंने नौ नौ बेटे को लेकर के आए, और इनकी नौ बेटी और नौ बेटे। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले शुभम शीघ्रम, अच्छे कार्य को जल्दी जल्दी कर लो। तो उन्होंने एक साथ में उन्होंने नौ बेटी को एक साथ में उन्होंने शादी करवा दिया, और घर हो गया खाली। अभी घर में 3 व्यक्ति, पिता माता बेटे। अभी पिताजी कर्दम ऋषि फिर भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ एक प्रश्न आता है। बोले भैया तुम भगवान की भक्ति भजन करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले भगवान तो तुम्हारे घर में बैठे हैं, ठाकुर जी कर्दम भगवान श्री कपिल बन करके तुम्हारे घर में भगवान बैठे, फिर तुम फिर जंगल में फिर भजन करने क्यों जा रहे हो?
देखो इसका बड़ी अच्छी बात बताए, यहां शिक्षा देते ही जब तक हम साधन नहीं करेंगे, जब तक प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। अगर प्रभु की भक्ति किए बगैर भगवान भी मिल जाए तुम्हारे लाभ होने वाले नहीं। जैसे रावण ने राम को देखा है लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान को साथ में बैरी ठाना, युद्ध किया ठाकुर को साथ में। कंस ने कृष्ण को देखा लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, भगवान को मारने के लिए कोशिश की। शिशुपाल ने भगवत दर्शन की, भगवान को देखा, सामने ठाकुर जी खड़े हुए लेकिन गाली के ऊपर गाली, गाली के ऊपर 101 गाली उन्होंने भगवान को, उन्होंने 101 गाली उन्होंने निकाली, इनकी कोई लाभ नहीं हुई। बोले क्यों, अगर हृदय में प्रेम नहीं हो, इसलिए कहते ना बिना प्रेम के नहीं मिले नंदलाला। जब तक हृदय में प्रेम नहीं हो तब तक भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे। इसलिए घर में भगवान रहते हुए भी वो प्रभु की भजन करने के लिए जंगल में गए लेकिन घर में अभी दो व्यक्ति, माँ और बेटा। लेकिन माँ को पता है मेरा बेटा भगवान है। तब एक दिन माँ स्वयं आ करके अपना बेटे को सामने हाथ जोड़ करके प्रश्न करती है, बोले बेटा मैं तो स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, इधर उधर मेरे मन भटकती रहती है, तुम बताओ हमको शांति सुख कैसे मिले, प्रभु प्राप्त कैसे हो। तब भगवान ने अपना माँ को लक्ष्य करके हम दुनिया को ठाकुर जी शिक्षा दिए, बोले देखो माँ ये जो मन है हमारी 11 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां है, हमारी इसका जो राजा कौन है, बोले ये मन। जैसे मन ने कहा चलो भागवत कथा हो रही है, चलो कथा सुन करके आएंगे, देखना सारी इंद्रियां यहाँ पर आकर बैठ गई। अगर मन बोलता रही कथा सुन कर क्या होगा, चलो ना सिनेमा जाते हैं घूमने के लिए, नहीं तो कहीं इधर उधर घूमने चलते हैं, फिर क्या होता कि सारी इंद्रियां ये मन को पीछे पीछे भागते हैं। इसलिए ये 11 इंद्रियों में जो राजा है कभी ये मन है। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी थे श्रील प्रभुपाद, वो कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो और अपना जूती लेकर के ये मन को 100 बार पीटो, क्योंकि देखना ये जो मन है उल्टा पुल्टा चीज में तो आसानी से लग जाते हैं लेकिन जब इसको कोई भक्ति की बात बताओ ना ये बहाना बज करने शुरू कर देते हैं, अरे ये काम रह गया था, ये काम रह गया था इसी वजह से, लेकिन और कोई दूसरा काम के लिए देखना कोई बहाना बज नहीं, उसको पहले ही खड़े रहते उधर जाने के लिए। लेकिन सहज में ये मन प्रभु के भजन में लगना नहीं चाहता, इसलिए वो कहते थे प्रभुपाद सवेरे उठो और अपना जूती लो और अपना जूती लेकर के मन को 100 बार पिटो, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये 84 लक्ष बाद में जीवन मिला और इसी जीवन में भक्ति हो सकती है और किसी जीवन में भक्ति नहीं कर सकते हो हैं। इसलिए बोले माँ ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का कारण है, जब इसी मन को हम ठाकुर जी के चरण में लगा देंगे ये मन मुक्ति की कारण बन जाएगी, जब इसी मन को हम विषय में लगाएंगे फिर बंधन का कारण बन जाएगा। बोले बेटा तू तो बोल दिया ये मन को प्रभु का चरण में लगा लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है कैसे करे भजन करो, ये मन तो बड़ा चंचल है, जिसको कृष्ण स्वयं कहते हैं वायु रेव सुदुष्करम, कदि ये वायु को हम रोक सकते हैं लेकिन मन को नहीं, ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ एक मिनट में ये पृथ्वी को चक्कर लगा करके मन आ जाता है। बोले ये चंचल मन को फिर भजन में कैसे ले जाए, तब भगवान का देखो माता ये भक्तों का संग तुम करो, जब भक्तों संग समझ तुम कथा सुनोगे, भगवान की कथा सुनने से ये मन धीरे 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 प्रभु के भजन में ये लग जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृतिकर्ण रसायन कथा ताजो स्तन आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बोले माँ जब तुम मेरे भक्तों का संग तुम करोगे, मेरी कथा सुनोगे, धीरे धीरे ये जो चंचल मन है प्रभु की कथा प्रभु की चिंतन करते करते ही ये मन को शांति मिलती है। लेकिन अगर माँ अगर ये कथा सुनेगा तो पहले श्रद्धा आएगी, उसको बाद में फिर आएगी भक्ति,
उसके बाद में रहती, फिर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते तुम्हें भगवान के प्रति प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी। देखना इसी जगत में एक का प्रति प्रेम कैसे होता है, जब हम उसकी कथा सुनते हैं, कथा सुनते 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 उनका प्रति हमारी प्रेम हो जाती है। इसलिए बोले माँ तुम भगवान की कथा सुनो, ठाकुर जी की कथा सुनो, सुनते सुनते अपने आप ठाकुर जी में प्रेम हो जाएगी। और जब प्रेम हो जाएगी बोले आ प वर्ग वर्तमनी, कहते जो प वर्ग मतलब प फ ब भ और म, ये प वर्ग है। आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में कचट थप खचट थप गजट थप, इसमें जो प वर्ग है ये प फ ब भ म। बोले अगर माँ सत्संग करोगे ना तुम्हें पांच चीज की प्राप्ति होगी। बोले क्या, बोले प प मतलब पैसा, बोले फ फ मतलब होता फेंक व झांक। कभी कभी संसार में इतने परिश्रम करते हैं मुंह से झांक निकल जाती है। बोले प प मतलब व्यर्थता, बोले भ भ मतलब होता है भय, और माँ माँ मतलब होता है मृत्यु। इसलिए माँ अगर तुम भगवान की कथा सुनोगे तो तुमको ये पांच चीज की प्राप्ति होगी, संसार का बंधन दुख कष्ट से चिरकाल के लिए तुमको मुक्ति मिलेगी। इसलिए माँ तुम सत्संग में मेरी कथा को श्रवण करो, मेरी कथा सुनो। इसलिए माँ ये सत्संग से ही तुम्हें जितने लाभ मिलेगी माँ और कहीं तुम्हें नहीं मिलेगी। हम पहले सुन रहे थे ना, लेकिन अभी का जो लड़का लड़की जो यंग स्टार है ना वो क्या चाहते हैं, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन सब बनेंगे, उनकी सबसे बड़ी इच्छा हम हीरो हीरोइन बने। लेकिन संतों का कहना भैया जैसे श्रीदेवी थी कुछ दिन पहले बाथरूम में शरीर छोड़ दी, इनका नाम कब तक रहेगा। जैसे अमिताभ बच्चन अभी नाम है लेकिन कब तक रहेगा। जैसे ऐश्वर्या राय थी अभी कोई काम नहीं करे कोई नाम नहीं। ये जगत का जितने बड़े बड़े हैं, अभी जैसे मोदी की लहर है, योगी की लहर है, अभी इलेक्शन आ रही है, अगर नहीं रहेगा तो उनको कोई पूछने वाला होगा जगत में, कोई पूछेगा इनको, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हनुमान जी को देखो, कहते भैया अगर हीरो बनना ना हीरो ही नहीं बनना, मीरा बनकर के दोबारा हीरो ही नहीं बन जाते। हीरो बनना तो श्री हनुमान जैसे हीरो बनो। हनुमान कब आए, त्रेता जी में, त्रेता जी कितने लाख साल पहले आए। ये ध्रुव प्रह्लाद कब आए, करोड़ों साल पहले ये लोग आए। लेकिन देखो अभी भी घर घर में इनकी पूजा हो रही है, अभी इनकी इनके नाम को सबके सब ले रहे हैं। हनुमान जी देखो घर घर में प्रभु जी, घर घर में जिनकी पूजा हो रही है। कहते भैया जगत में बड़े से बड़े जो प्रतिष्ठा है जो नाम है दो दिन बाद में सारी खत्म हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम भगवान के भक्त बनकर एक बार तुम हीरो बन जाओ, देखना ये दुनिया जब तक रहेगा तब तक तुम्हारी नाम रहते रहेगी, सारा दुनिया तुमको पूजा करेगी। इसलिए हीरो हीरोइन बनना है ना, भगवान की भक्त बनकर के हीरो बनो। हीरोइन बनना तो मीरा बनकर के हीरोइन बन जाओ, गोपियां बनकर के बारे हीरोइन बन जाओ, देखो दुनिया में कितने तुम्हारी नाम इज्जत होगा। इसलिए भगवान कपिल देव कहते बोले माँ तुम सत्संग करो, मेरी कथा सुनो, इसी से ही तुम्हें परम शांति और परम सुख मिलेगा। फिर भगवान समझाते बोले माँ अगर प्रभु की भजन नहीं करोगे भक्ति नहीं करोगे फिर तुम्हें मातृगर्भ में जाना पड़ेगा। भगवान कहते माँ मातृगर्भ में जाना और नरक में जाना बराबर है, क्योंकि ये पेट में जीव को 9 महीना रहना पड़ता है, 9 महीना केवल छोटी सी पर्दा से ढका हुआ होता है। पेट के अंदर में टाटी पेशाब खून पी पेट में कुछ है ही नहीं, सर नीचा टांग ऊंचा रहता है। उसको 7 महीना में बच्चे को ज्ञान आता है, ज्ञान आने पर वो बच्चा देखता है हे भगवान कहाँ मैं नरक में पड़ा हुआ, टाटी पेशाब खून पी को अंदर में पड़ा हुआ। और पेट में जो बच्चे हो ना, देखना बच्चों माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं, मिर्च मसाला खट्टा नमकीन ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। और माताएं जब ये चीज को खाती हैं पेट में बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। फिर वो बच्चा भगवान को पुकारता है बोले प्रभु मेरे को ये नरक से जल्दी जल्दी निकालो। भगवान कहते हैं बताओ अभी तुम क्या करोगे। बोले प्रभु सुख का समय तो सारा दुनिया साथ में था, अपना पुत्र परिवार, लेकिन जब कर्म का फल मैं भोग कर रहा हूँ वो परिवार कहाँ है सबके सब, वो बच्चे पुत्र परिवार कहाँ, कोई तो है ही नहीं यहाँ पर।
इसलिए हे प्रभु अगर एक बार आप हमें जन्म दे दोगे ना प्रभु, मैं कान पकड़ कर कसम खाता हूँ कभी भी ये झूठे संसार में हम नहीं फंसेंगे। तेरे नाम लूंगा, तेरे भजन करूंगा, तेरे भक्ति करूंगा। देखो ध्यान देकर सुना भगवान क्या कहते हैं, बोले तुम दुखों कष्ट में पढ़ करके यहाँ पर वायदा ले रहे हो ना, सचमुच से तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो। बोले प्रभु मैं सचमुच से बोलता हूँ अगर एक बार हमें ये मानव शरीर मिलेगा ना, उठते बैठते सोते तो इसलिए उठते बैठते सोते मैं तेरे नाम जप करूंगा। मैं सच 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 बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। भगवान ने कहा देखो अगर तुम भूल जाओगे ना, बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे, क्या वार्निंग दोगे? बोले जब पहले एक बाल पक जाए, समझना ये मेरे फर्स्ट वार्निंग है। बाल पकना मतलब क्या है, ये संसार से अभी चलने वाले हैं। अब देखना अगर हमारे एक बाल पक जाए ना, अगर शीशा में देखो उसको उखाड़ लेते कि थोड़ी हम बूढ़ा बूढ़ी थोड़ी बन गए, इतना जल्दी आप बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो। अगर दूसरा बाल पक गया फिर उसको भी उखाड़ देंगे, अगर तीसरा बाल पक गया फिर उखाड़ देंगे, अगर खिचड़ी हो जाता है फिर क्या कर, फिर कलर कर देते हैं उसको, मेहंदी लगा कर फिर कलर कर देते हैं। वो ऊपर वाला का वार्निंग हम नहीं सुनते हैं। फिर भगवान के दूसरा वार्निंग की दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले आंखों में देखना कम हो जाता है, नजरा कम हो जाती है, फिर बढ़िया चश्मा बनाकर हीरो बनकर घूमते हैं। भगवान कहते फिर तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले एक एक करके तुम्हारे दांत को तोड़ना मैं प्रारंभ करूंगा। जब सारे दांत टूट जाती है ना, फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर बढ़िया बढ़िया दांत लगा देते हैं। बोले हमारा थोड़ी कुछ हुआ है। भगवान कहते तुमको फोर्थ वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगी तुम्हें, फिर डंडा पकड़ना पड़ेगा तुम्हें, फिर चल नहीं पाओगे। ये मेरे फोर्थ वार्निंग ही है। फिर उसका वार्निंग को हम नहीं सुनते हैं। भगवान कहते फिर फिफ्थ वार्निंग तुम्हें नहीं दूंगा। कहते राम नाम सत्य है, राम नाम। भगवान खुद कह रहे हैं ये एक एक वार्निंग भगवान दे रहे हैं। भैया तू भगवान से कसम खा करके आया था भगवान का नाम लेने के लिए, भजन करने के लिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, बोले संसार करने नहीं आए, घर गृहस्थी करने नहीं आए। और गोस्वामी जी कहते आए थे हरि भजन को, तुमने प्रभु की भजन भक्ति करने के लिए आए हो, लेकिन ओटन लगे कपास। जिस काम के लिए आए थे उस पर रख दिया पीछे, और जो नहीं करने के लिए आए थे ना उसमें हम लग पड़े, उसमें हम लग पड़े। इसलिए भगवान कहते माँ अगर भजन तुम नहीं करोगे फिर वही 84 लाख जन्म में फिर तेरे को भटकना पड़ेगा माँ। इसलिए माँ समय रहते क्या करो, माँ समय रहते प्रभु का भजन में लग जाओ। ये जीवन बारंबार ठाकुर जी बारंबार ये जीवन नहीं देते। फिर भगवान कहते माँ फिर मरने का बाद फिर ये जीव को आप लोग देखना 13 दिन बाद में हमारा शुद्धि क्रिया होता है ना, 13 दिन हम अपवित्र रहते। देखो क्यों 13 दिन है। आप लोग घर में गरुड़ पुराण कौन कौन सुने हो? मरने का बाद देखना गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, कौन कौन सुने हो हाथ उठाओ। तो वहां पर सारे वर्णना किए क्यों 13 दिन बाद में ये शुद्धि क्रिया होता है। कहते उसको एक नदी पार करना पड़ता है जिसका नाम बैतरणी नदी। केवल टाटी पेशाब खून पी का होता है वो नदी पार करने के लिए उसको 13 दिन लग जाते हैं। ऊपर से कोड़े मार मार करके उसको पार कराते हैं, उसको 13 दिन लगती है, 13 दिन लगती है उसको पार करने के लिए। इसलिए 13 दिन बाद में हम लोग शुद्धि क्रिया होता है। लेकिन ये किसको ये नदी पार करना पड़ता है टाटी पेशाब खून पी की? इसलिए आप सुने होंगे जो बहुत ज्यादा कष्ट पा करके मरता है कहते भैया इसका नाम पर गैया दान दे दो, गो दान कर दो, ये पूछ पकड़ करके नदी को जल्दी जल्दी पार हो जाए। अब सुने होंगे जो बात को हैं कि भगवान खुद कहती है बात को, लेकिन जो भजन नहीं करता है जो प्रभु का नाम नहीं लेते उनको, जिनकी गला में तुलसी कंठी हो तिलक हो भगवान के नाम करते हैं, भगवान कहते माँ उसको कभी भी ये बैतरणी नदी पार करना नहीं पड़ेगा। जो प्रभु का भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन नदी पार करना पड़ता है। इसलिए माँ ये जीवन पा करके जो भगवान की भक्ति कर लेते हैं, ये जीवन का समस्त कर्तव्य प्रभु की भक्ति में ही पूरी हो जाती है।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे एक भजन सुन कि सब गलन को छोड़ के भान की लाली राधे कोटि जनन की आपदा श्री राधा नाम तेजा कि वृंदावन मकरंद है रस की करत रस पान दुल्हन प्यारी राधिका की दुल्हा श्याम सुजान। तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे? अच्छा कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, नहीं जाएंगे क्या? पैसा नहीं लगेगा, फ्री में जाना है मानसिक रूप से। आइए सब लोग ताली बजाते रहे क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद भगवान कृष्ण का जन्म है, इसलिए वृंदावन जाना अति आवश्यक है राधे का नाम लेकर के। तो आइए सब लोग मिलकर नाश्ते करते भाई वृंदावन चलेंगे। ओ मेरे गुठे की रहती पी सके वृंदावन जाऊंगे I'm not afraid of the dark।
मैं राजस्थान गया था तो वहां एक माता जी आई मेरे पास, बोले थाने की, बोलो बेटा थारी कथा तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मैंने क्या कथा में क्या सुना? बोली माता जी क्या प्रसंग सुना? बोले मोनी को नहीं पता, थारी कथा तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मैंने कहा क्या अच्छी बात सुनी है आपने, बताया? बोले ऐसा है बेटा, मैं दिन में 10-10 गोली खाऊं नींद की, तो पानी को नींद आ रहा है, और थारी कथा में बैठते ही नींद आ रहा है। तो इसलिए ये कीर्तन में कथा में नींद बड़ी प्यारी आती है, मीठी मीठी सी। तो इसलिए ताली जरूर बजाए, नाच ना सके कोई बात है, ताली बजाए नहीं तो निद्रा में भी आ जाएगा। ओ मेरे मुंडे की रहती I'm
बिना राधा के सही जो है वो आधा है, इसलिए राधे दादा सभी लोग ताली बजा कर लेंगे। प्रसूति की जो शादी है कहते श्री दक्ष प्रजापति को साथ होता है, कहते उनको 16 कन्या हुई, लेकिन सबसे जो छोटी कन्या सबसे सुंदरी सबसे प्यारी ये सती की शादी श्री भोले बाबा को साथ में हुई, लेकिन इसने युवती अवस्था में अपना प्राण को त्याग दी। तब तो प्रश्न किया, बोले क्यों? बोले शंकर जी से और ससुर और दामाद में लड़ाई हुई। बोले शंकर तो सत्यम शिवम सुंदर, शंकर तो देवदेव महादेव वो तो भगवान की परम भक्त है, फिर उनको साथ में लड़ाई की नहीं। बोले बड़े रहस्य की बात है। बोले जिस समय पितामह ब्रह्मा जी शंकर श्री दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद में नियुक्त की, कितना प्रभुता पाई काम दनाई। ये प्रभुता ऐसे की चीज है, अगर कोई मान इज्जत अगर कोई दे देना, बोले का मद नाही, ऐसे व्यक्ति कौन है जिसको अंदर में ये अहंकार अभिमान नहीं आ जाए। एक दिन कुंभ मेला में सारे देवता लोग आए हुए थे, ये दक्ष प्रजापति जान बुझ करके एकदम लास्ट में आया। जब वो सभा में प्रवेश कर रहा था, इतने में वो देख रहा था, भैया यहाँ पर मेरे को सम्मान कौन कर रहे हैं और असन्मान कौन कर रहा है। देखा सारे देवता खड़े होकर के सम्मान किए, लेकिन उसमें दो व्यक्ति केवल खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी एक शंकर जी। दक्ष प्रजापति ने सोचा ब्रह्मा जी पिता लगते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरे दामाद है, दामाद मतलब बेटा होता है, और मेरी सबसे प्यारी सबसे सुंदरी बेटी मैंने इनको शादी किया, और थोड़ी सी पिताजी आए तो थोड़ी सी खड़े होकर सम्मान तक भी नहीं कर पाए। भरी सभा में शंकर जी को इतने गाली शंकर जी को दिए, लेकिन ये शंकर जी कुछ भी नहीं बोले। जो तीसरे नेत्र खोले ना दुनिया को ध्वंस कर सकते हैं, लेकिन शंकर जी चुपचाप बैठ करके मुस्कुरा रहे। अगर आप किसी व्यक्ति को गाली दो, अगर वो व्यक्ति अगर मुस्कुराए, बताओ क्या हुआ? जो गाली निकला ना उसको और भी ज्यादा क्रोध आएगा, बोले देखो ये निर्लज्ज बेहया को देखो, मैं गाली दे रहा हूँ और ये बैठ बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। फिर तो शंकर जी को गाली देना शुरू कर दिया। बोले जितने शंकर जी की भक्त होंगे नष्टाचार भ्रष्टाचार सबके सब भांग पिएंगे, धदुरप खाएंगे, शमशान में रहेंगे, त्रिशूल धारण करेंगे, उनके सारे चरित्र भ्रष्ट होगा। शंकर जी के जितने भक्तों को गाली के ऊपर गाली देने लगते। वहां पर नंदी था, बोले हरि हर निंदा सुनई जे काना, कोई पाप को घात समाना। हरी हर निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो गैया को पाप करने का पाप लगता है। बोले शंकर जी अगर तीसरे नेत्र को खोले दुनिया को ध्वंस कर सकते हैं, और ये चुपचाप बैठे हुए कुछ बोल नहीं रहे हैं, और तू बकबक 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 करते करते जा रहे हो। बोले तेरे सर पर बकरी का सर लग जाएगा। इतना सुनते भृगु ऋषि वहां पर थे, बोले तू बीच में कौन बोलने वाला होता है? ये ससुर दामाद का लड़ाई, तू बीच में क्यों है? तुमने क्यों बोल दिया बकरी का सर लगेगा? बोले मैं भी अभिशाप देता हूँ,
शंकर जी के जितने भक्त सब जैसे नष्टाचार भ्रष्टाचार सब जैसे दुष्ट बनेंगे। इतने में जब उनको पाखंडी बना दी, इतने में फिर नंदी को क्रोध आया, बोले कलयुग में जितने ब्राह्मण हैं सबके दर दर भटकेंगे और भीख मांगने वाले मिल जाएंगे। दोनों दोनों को अभिशाप दी। अब देखो सुना, अभी प्रश्न यहाँ आता है, जब दक्ष प्रजापति अंदर में प्रवेश किए, शंकर जी थोड़े खड़े हो जाते, उसमें क्या बुराई था? थोड़ा खड़े हो जाते ना, पिताजी है, सबसे प्यारी बेटी दी है, थोड़ा खड़े हो जाते। खड़े होने से कोई थोड़ी हानि थोड़ी था, क्यों खड़े नहीं हुए? तो इसका दो कारण बताए। पहला कारण बताए, शंकर जी कौन है? बोले ये वैष्णव नाम जथा संभव, ये भगवान की भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त शंकर जी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सीव सम को रघुपति प्रतधारी, शंकर जी के बराबर कौन भगवान राम के भक्त हो सकता है? क्योंकि जब राम रूप में भगवान आए, शंकर जी हनुमान बनकर के आए, जब कृष्ण रूप में आते हैं, हम आगे सुनेंगे, शंकर जी गोपीश्वर बनकर के आते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु का रूप में आते हैं, उसी समय शंकर जी अद्वैत आचार्य बनकर के आए। बोले इनके बगैर भगवान की कोई लीला ही नहीं है, सारे लीला में श्री शंकर जी। शंकर जी भगवान के गुरु, पिता, भाई, बंधु सब शंकर जी है। ये श्रेष्ठ वैष्णव है। बोले भैया श्रेष्ठ वैष्णव का लक्षण किया? बोले लक्षण है सर्वभूतेषु जपसेत भगवत भावात्मा, वो शरीर नहीं देखते हैं, सभी का हृदय में जो परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं वो उनको दर्शन करते हैं, वो संत का दर्शन है। उन्होंने दक्ष प्रजापति के हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए उनको देखा, तो उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन इसका नाम ही दक्ष है। दक्ष मतलब क्या? वो सृष्टि में दक्ष है, भक्ति में दक्ष नहीं। दूसरा कारण है, इन्होंने भगवान के भजन में डूबे हुए थे शंकर जी। आप देखना शंकर जी की कहीं भी आप स्वरूप देखना, देखना शंकर जी ऐसे बैठे हुए देखेंगे एकदम। क्यों? शंकर जी जोगी जोगी महाजोगी शंकर जी, हर समय प्रभु का भक्ति में लीन रहते शंकर जी। जब कोई व्यक्ति कृष्ण शरण में प्रभु की चरण में प्रणाम कर लेना, भगवान कृष्ण का अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, जब कृष्ण को कोई प्रणाम कर ले सबका प्रणाम हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी के अंदर में सब सब कुछ। इसलिए कहते ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा कर सब कोई। लेकिन दक्ष प्रजापति शंकर जी की इतने उच्च भाव को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ताली दिए। इतने में शंकर जी चुप होकर चले गए, कुछ भी नहीं बोले। हाँ देखो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बात बताए। बोले भैया शंकर जी के भक्तों को उन्होंने इतने गाली दिए, शंकर जी सुने कैसे? शंकर की क्यों सुने? फिर उन्होंने शंकर जी के भक्त जितने ब्राह्मणों को गाली दी, ये ब्राह्मण भी कैसे सुने? तो ये चीज को अच्छा तरह से समझो। शंकर जी की दो स्वरूप है, एक स्वरूप शंकर जी की सदाशिव स्वरूप और एक स्वरूप शंकर जी की रुद्र स्वरूप है। ये रुद्र स्वरूप से शंकर जी जगत को संहार करते हैं और सदाशिव स्वरूप में शंकर जी संसार का सृष्टि करते हैं। ये सदाशिव महाविष्णु क्या बता रहे हैं, ये अद्वैत आचार्य एक स्वरूप में दुनिया को सृष्टि करते हैं और सबको भगवान की भक्ति दे करके, जीवों को प्रभु की भक्ति दे करके। क्यों? शंकर जी आदि गुरु है, सबको भक्ति दे करके शंकर जी प्रभु को प्रेम प्रदान करते हैं। अगर ये सदाशिव स्वरूप को जो भजन करते हैं उनको भगवत प्रेम भगवत भक्ति प्राप्ति होती है। आप सुने होंगे श्री नरसिंह भक्त, ये पहले शंकर जी की एकनिष्ठ भक्त थे, बड़े एकनिष्ठ शंकर जी पक्के भक्त थे। एक दिन शंकर जी संतुष्ट हो गए, बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले आप तो मेरे पिता, मैं तो आपका संतान हूँ, आप मुझे वह वस्तु दो सबसे जो आपका प्यारा वस्तु है। बोले मेरे प्यारा तो भाग्य बिहार है, जा आज से तेरे मेरे को भक्ति प्रदान करता हूँ, तुमको कृष्ण भक्ति तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये शंकर जी की कृपा से ये नरसिंह भक्त इतने बड़े कृष्ण भक्त बने। इसलिए जीवों को कृष्ण भक्ति, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी शंकर जी के एक मंत्र है, कहते श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेशहरम देवम वृंदारण्यम रतिप्रदम। वो कहते हैं हे शंकर जी, आप बड़े दयालु बड़े कृपालु हो, जिनकी सनक सनातन आदि जिनकी उपासना करते हैं, अगर आप मेरे ऊपर में कृपा करना चाहते हो, ब्रज विलासी जुगांग्री पद में, ब्रज में जो राधा कृष्ण विलास करते हैं उनके चरण में हमें भक्ति दो।
सनातन गोस्वामी शंकर जी की ब्रज मंडल में जहां जहां शंकर जी इनको पास में रखते और शंकर जी को साथ में सत्संग करते थे श्री सनातन गोस्वामी, इसलिए शंकर जी ठाकुर जी के चरण में भक्ति देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं जो सदा से इनको उपासना करेंगे। लेकिन जो शंकर जी का जो रुद्र स्वरूप है, अगर ये रुद्र स्वरूप को कोई उपासना करेगा ना, अब जिसको जैसे रूप में उपासना करेगा उसका गुण भी आएगा। इसलिए रावण किसको पूजा करता था, भागवत में आएगा, बाणासुर किसको पूजा करता था, शंकर जी को। ये भस्मासुर किसको पूजा करता था, बृकासुर, शंकर जी को। देखना इनके अंदर रुद्र स्वरूप आएगा और मार पीट काट सबके सब ऐसे राक्षस बने, क्योंकि उनका रुद्र स्वरूप को उपासना किया। इसलिए शंकर जी तो सुने, सुन करके चुप होकर चले गए, कुछ बोले नहीं। क्यों? बोलिए जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मेरे जो रुद्र स्वरूप को उपासना करेगा वो सब ऐसे बनेंगे। लेकिन सदा से इस स्वरूप को भजन करेगा तो मैं उनको भक्ति दे करके ठाकुर चरण में प्रेम दूंगा। दूसरी तरफ में उन्होंने जितने ब्राह्मणों को अभिशाप दिया है, इसलिए ब्राह्मण भी दो तरह के हैं, एक कर्मकांडी और एक भक्ति जुगता है। जो कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए अभिशाप है, लेकिन जो प्रभु की प्रेम भक्ति करने वाले ब्राह्मण के लिए ये नहीं, क्योंकि कृष्ण को बताया नम ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ठाकुर जी स्वयं ब्राह्मण की चरण को पूजा करते हैं ठाकुर जी हैं ब्राह्मण को, इसलिए कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए, लेकिन भक्त ब्राह्मण के लिए अभिशाप नहीं। उसको बाद में फिर दक्ष प्रजापति, तभी पेट नहीं भरा, उन्होंने कनखल में हरिद्वार में फिर यज्ञ किया, दुनिया को निमंत्रण दिया, केवल उसने शंकर जी को निमंत्रण दिया। लेकिन सती ने सबको देख रहे थे आकाश में, सब बहने लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे, इतने में सती भी बोली देखो तुम्हारी ससुर जी यज्ञ करने चलो, बोले निमंत्रण नहीं आया। बोले देखो ऐसे कुछ स्थान है बगैर निमंत्रण के जा सकते हो, जैसे पिताजी के घर में बेटी को कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, बेटी जा सकती है। जैसे गुरु जी के दरबार में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, गुरु जी बुलाए तब जाए, कोई नहीं तुम जा सकते हो। जैसे ठाकुर का दरबार में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, ठाकुर सबका पिता माता है, वहां भी तुम जा सकते हो। बोले पिताजी का घर निमंत्रण का क्या जरूरत, बोले मैं जा ही नहीं सकता हूँ। इतने में सती ने शंकर जी के आदेश को पालन किए बगैर वहां से चली गई। देखो यहाँ एक प्रश्न होता है, अगर पत्नी अगर अपना पीहर में जाए, पति का आदेश लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन ये जगदम्बा जगत जननी होकर के फिर शंकर जी के बिना आदेश से कैसे चली गई? देखो इसका घर के बहुत बड़ी रहस्य है। रहस्य यह है, बोले जिस समय सीता की चोरी हो गई उसी समय भगवान राम लीला कर रहे थे, हा सीते बोल करके पेड़ पौधा लता पताओं को पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो। इतने में शंकर जी और श्री सती वो सत्संग सुनने के लिए आए, अगस्त ऋषि के पास में उस समय जा रहे थे। वो जाते समय सीता की चोरी हो गई, उसी समय में देखा भगवान राम कैसे हा सीते बोलकर पागल हो रहे। इतने में शंकर जी सती को लेकर के दूर से वो परिक्रमा कर रहे थे। इतने में सती की मन में शंका हो गई, बोले प्रभु आप किसको परिक्रमा लगा रहे हो, जो परम ब्रह्म पराग पर राम की कथा आप सुनाते हो, ये क्या वही राम, ना कोई साधारण जीव, क्योंकि मेरे को पता है रावण सीता को लिया ही नहीं, वो तो छाया सीता है, अभी वो छाया सीता अशोक वाटिका में, ये तो मेरे को पता। अगर ये घटघटवासी भगवान होते क्या इतनी सी बात इनको पता नहीं? इतने में शंकर जी बोले अगर तुम्हारी विश्वास नहीं हो तुम परीक्षा कर लो। फिर उन्होंने माँ सीता की रूप धारण करते हुए परीक्षा की और राम तो समझ गए, बोले माता जी आप इधर कैसे, शंकर तो उधर चले गए। इतने में बोले समझ गए। तो फिर जब वापस आए सीता ने, शंकर जी फिर प्रश्न करते हैं, परीक्षा किया कैसे तुमने परीक्षा की? देखो अगर हमसे कोई झूठ हो जाए, कोई गलती हो जाए ना, सीधा बोल दो भैया हमसे ये गलती हो गई। अगर एक गलती को आप छुपाने के लिए जाओगे ना, फिर दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथे गलती, गलती के ऊपर तुम्हें गलती होती जाएगी। इसलिए अगर कोई झूठ हो गया, कोई हमसे गलती, सीधा बोल दो भैया हमसे ये गलती हो गया, माफ हो जाएगा। अगर छुपाओगे गलती को ना, फिर तो गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती होती जाएगी। अगर यहाँ पर सती सीधा बोल देती, मैंने सीता का रूप धारण करते हुए मैंने की, गलती माफ हो जाती, फिर यहाँ झूठ बोलती,
शंकर जी को गुरु जी को कर झूठ बोले, शंकर जी गुरु उनकी है। फिर उन्होंने झूठ बोले, बोले प्रभु आप कभी झूठ बोल सकते हो? फिर शंकर जी ध्यान लगाए, उसने कौन सा रूप धारण करके भी परीक्षा की। शंकर जी जब ध्यान लगाए देखा ये तो माँ सीता के रूप धारण की, माँ सीता तो मेरी माँ है, मेरी माँ के रूप धारण की, अभी उसको मैं अपना पत्नी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों? मेरी माँ की उसने रूप धारण करी। शंकर जी हृदय से सती को हृदय से त्याग दिया। ये बात को देवता लोग जान गए, जान करके आकाश से फूल की बौछार की और शंकर जी की जयकार लगाए, बोले श्री भोले बाबा की। जब जयकार लगाए सती ने सोचा भैया देवता लोग जयकार क्यों लगा रहे, क्या चक्कर है? फिर तो शंकर जी पार्वती को और पत्नी रूप में नहीं देखा, बाम पार्श्व में नहीं सीधा बैठा था, गुरु रूप में दर्शन करते हैं और हरि कथा नहीं बोलते हैं। सती ने देखा जब ठाकुर जी हरि कथा ही नहीं सुनाएंगे, भगवान की कथा नहीं सुनाएंगे, ये शरीर रख करके कोई लाभ नहीं, इसलिए यहाँ पर सती, इसलिए शंकर जी के आदेश नहीं होने पर भी शंकर जी के बिना आदेश से उन्होंने गए। देखा सभी के लिए भाग, शंकर जी के लिए भाग नहीं, उनके बोले जिनकी प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि वैरी समझ यद्यपि परमस नहीं। बोले जिनकी, ध्यान देकर सुने क्या शब्द ये मीरा कह रही है, बोले जिनकी प्रिय ना राम वैदेही, बोले जिनकी प्रिय राम और सीता नहीं उनकी करोड़ शत्रु मान करके उसको त्याग दो, उनको करोड़ शत्रु मान करके त्याग दो, क्यों? ये जीवन का उद्देश्य प्रभु का प्राप्ति, अगर ये प्रभु की प्राप्ति के लिए अगर कोई बाधक है, भजन में मदद नहीं करते हैं, बोले त्यजी और कोटि बैरी समा, ये तुलसीदास मीरा को लिख रहे हैं। जब मीरा भजन कर रही थी उसका पूरा परिवार उसका विरोध थे, वो तुलसीदास को पास में पत्र लिखते हैं, बोले सारे मेरे पति देवर जेठ सब विरोध, क्या करनी चाहिए? तब गोस्वामी तुलसीदास से पत्र लिखते हैं, जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजी कोटि वैरी सम, उसको करोड़ शत्रु मान कर त्याग दो। बोले प्रमाण, बोले तेजत पिता प्रह्लाद, प्रह्लाद ने अपना पिता को त्याग दिया, बोले भगवत भजन नहीं करते हो कोई मतलब नहीं। और भरत ने अपना माँ को त्याग दिया, बलि ने अपना गुरु को त्याग दिया, विभीषण ने अपना भाई को त्याग दिया, जगमय मंगल हरि। इतने में सती ने देखा जिस पिताजी से मैंने जन्म लिया ये शंकर जी की बैरी है, जब तक ये शरीर रहेगा दुनिया क्या मिलेगी? बोले दक्ष प्रजापति की बेटी और जो शंकर जी की विरोध करने वाले ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, उनने शरीर त्याग दी। इतने में जा करके जितने शंकर जी के भक्त जा करके उन्होंने शंकर जी को शिकायत की, एक जटा उखाड़ कर पटक दिया, वीरभद्र प्रकट हुआ, बोले जाओ सारे यज्ञ को तसनस कर दो, शंकर जी की अपमान के समय पर जो आंख दिखा रहे थे उनको आंख निकाल दिए, जो हंस रहे थे दांत तोड़ दिए, जो दाढ़ी हिला रहे थे दाढ़ी को उखाड़ दिए, और दक्ष प्रजापति सर को काट करके उन्होंने स्वाह कर दिए, और सारे देवता वहां से भाग गए सबके सब। फिर ब्रह्मा जी शंकर जी के पास में गए, शंकर जी भोले बाबा है बड़े दयालु शंकर जी, शंकर जी के पास में गए, फिर शंकर जी आए, फिर बकरी का सिर लगाए, फिर पूरा यज्ञ को उन्होंने पूरी की है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। देखो इसमें सीखा है कि तो भैया कभी वैष्णव अपराध नहीं करनी चाहिए, और वैष्णव अपराध जो करते हैं ना उनको साथ में कभी मदद कर मत करो, अगर करोगे, यहाँ पर कितने कितने बड़े बड़े ऋषि लोग थे, किसके दांत तोड़े, किसके दाढ़ी उखाड़े, हाँ किसके आंख निकाल दिए, कहते जितने बड़े तुम क्यों नहीं हो, अगर तुम्हें अगर किसी संतों के चरण में, किसी वैष्णव चरण, शंकर जी परम वैष्णव है, अगर अपराध करोगे तो जितने बड़े क्यों नहीं हो तुमको दुर्दशा भोगना पड़ेगा। ये कथा में ये सिखा देते हैं। कहते यहाँ पर श्री भक्त श्री ध्रुव महाराज की कथा की है। कहते श्री उत्थान पाद के दो पत्नी है, एक सुनुति और एक सुरुचि है। सुनुति मतलब जिसकी नीति अच्छी नीति, जगत में बहुत नीति लेकिन सबसे बड़ा नीति से विदुर नीति, क्योंकि जो विदुर जी आप देखना शूद्र घर में जन्म शूद्र पुत्र है, लेकिन हर समय उन्होंने धर्म का पक्ष दिया, कभी भी उन्होंने दुर्योधन का पक्ष कभी नहीं दिया, हर समय उन्होंने किसका पक्ष दिया, पांडव का पक्ष दिया। बोले क्यों? ये धर्म पथ में शिक्षा देते हैं। बोले भैया कभी अधर्म का कभी रास्ता मत अपनाओ,
कभी अधर्म का पक्ष मत दो, हर समय किसका पक्ष दो, धर्म का पक्ष हर समय देनी चाहिए। इसलिए विदुर नीति सर्वश्रेष्ठ नीति है। कदे अगर जीवन में सुनीति को अपनाओगे बेटा किस क्या ध्रुव, जीवन में अगर हमने जगत में प्रभु का भक्ति नीति जगत में सर्वश्रेष्ठ नीति, अगर जीवन में प्रभु का भक्ति नीति अपनाओगे ना, तुम्हारी जो बेटा होगा मतलब जीवन में जो फल होगा कौन सा फल मिलेगा, ध्रुव। ध्रुव मतलब सत्य नित्य शाश्वत तुमको फल मिलेगा और जगत में तुम्हारी हर समय तुम्हारी जय जयकार होगी, हर समय तुम्हारी जगत में तुम्हारी प्रशंसा जय जयकार तुम्हारी होगी। अगर जीवन में सुनीति अपनाओगी, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, सुरुचि मतलब स्वस्य रुचि, अपना मनमानी ढंग में जो चलते हैं, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, भजन भजन से तुम्हारी कोई मतलब नहीं। अगर ये नीति को अपनाओगे ना, लास्ट में जब उत्तम जो था बेटा उसको है, उसने गया था कहां पर गया था, जंगल में उसने युद्ध किया, गंधर्व को साथ में मरा, फिर माता जी ढूंढने के लिए गई तो आग लग गई जंगल में और उसके अंदर में स्वाहा हो गई। अगर अपना मनमानी रुचि में अगर हम चलेंगे, एक दिन जल करके राख बन जाओगे, दुनिया में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहोगे। इसलिए पहले पत्नी सुनती थी, बेटा ध्रुव जब छोटी रानी आई, अभी नई नई थी ना, वो आते ही आईन पास करना शुरू कर दी, बोले देखो ये सुनीति को घर से निकाल दो तभी मैं रहूंगी, नहीं तो तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। मतलब क्या है कि देखना जगत में ऐसे कुछ लोग है, अगर कोई प्रभु की भजन करे भक्ति करे, भले इसको निकालो, ये सब किया सब भगवान की माला पाला तिलक सब बेकार सब निकाले सब, अरे खाओ पियो ऐसे करो है, ये सब भक्ति भक्ति किया भजन भजन किया है, इसको निकालो घर से। लेकिन अभी घर में पत्नी नहीं आई ना, इसलिए नई पत्नी कैसे लगती है, पहले लगती है चंद्रमुखी। कहते एक चंद्र आकाश में, एक चंद्र मेरे पास में, कुछ दिन बाद में वही चंद्रमुखी हो जाती है सूरजमुखी बनी, फिर बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा अशांत होना शुरू हो जाती है। ये नई नई थी ना, इसलिए चंद्रमुखी लग रही थी। राजा अभी इसकी बात सुनकर उसने किया कि सुनीति को अच्छी नीति को घर से निकाल दी, घर से निकाल दी अच्छी नीति को। एक दिन छोटा बेटा बैठा हुआ था, अभी बड़ा बेटा ध्रुव बैठने के लिए गया, छोटी मैया ने बड़ी गाली गलौज की, ले खबरदार पिताजी गोद में बैठ नहीं सकते हो, अगर बैठना चाहते हो पहले तपस्या करो, तपस्या करके मेरे कोख से जन्म लो, फिर पिताजी गोद में बैठ सकते हो। लेकिन वो क्षत्रिय का बच्चा वो कहां सहन कर सकता है, रो रो करके माँ के पास में गई, लेकिन माँ कौन है, सुनीति, वो हर समय अच्छी शिक्षा देगी। वो ये बता सकती थी, बोले तू बड़ा बेटा तेरे राज सिंहासन में तेरा अधिकार, छोटा भैया कैसे ले जाएगा, राजद्रोह शुरू कर दो। उसने ये नहीं की, उसने ये नहीं की, उसने क्या बताया, बोले बेटा जो तुम्हारी जो मैया है ना, गाली तो दी लेकिन एक अच्छी बात बताई, बोले अच्छी बात क्या बताई, बोले भगवान को आराधना करो, भगवत आराधना करो, ये एक अच्छी बात बताई। बोले बेटा ये राज्य कब तक रहेगा, ये पिता कब तक रहेंगे, लेकिन ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो, अगर बैठोगे ना कभी तुम्हें उतरने का जरूरत नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरे नाम रहेगा। ये पिता से करोड़ों गुण प्रेम देने वाले, बोले माँ कौन है, बोले ये पद्म पलाश लोचना श्रीहरि, बोले माँ कहाँ मिलेंगे, बोले माँ ये बेटा ये मिलेंगे घोर जंगल में, तपस्या करना पड़ेगा। इसलिए श्री ध्रुव जी माँ को प्रणाम की, मैया की परिक्रमा लगाई, प्रणाम परिक्रमा करते हुए माँ की आशीर्वाद लेकर के गई। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, इसलिए नियम है क्या करनी चाहिए, पिता माता की चरण छूनी चाहिए सवेरे उठ करके। कौन कौन चरण छूते हो पिता माता की, कोई चरण छूते हो पिता माता की, इसलिए शास्त्र ने बताया जो पिता माता की चरण छुएंगे ना उनको चार चीज मिलता है, कहते बल ऐश्वर्य श्री और संपत्ति। अगर पिता माता के हृदय से कोई आशीर्वाद निकले ना सचमुच से, इसलिए पहले कैसे प्रणाम करते थे, सर झुका करके सर नीचा करके प्रणाम करते थे, लेकिन अभी अगर प्रणाम करेंगे ना बस नीचे नहीं झुकेंगे, हाँ उनको घुटन से ऐसे करते कर देंगे, हाँ घुटन नीचे नहीं। अब देखना जो बेटा घुटन से प्यार चुका है और जो बेटा सचमुच से पिता माता के सर पर गिर कर जो प्रणाम करता है, देखना माता जी के हृदय से कितने आशीर्वाद निकले, खूब फलते फूलते रहो, खूब बढ़ते रहो, हाँ क्या क्या उनके मुंह से आशीर्वाद निकल गए। इसलिए उन्होंने माँ की आशीर्वाद लेकर गए,
और सचमुच से उन्होंने इतने उतावला हो गए भगवान को पाने के लिए, भगवान स्वयं चंचल हो गए। लक्ष्मी बोले, प्रभु आप इतने चंचल क्यों? बोले कि छोटा बटा कठोर तपस्या कर रहा है मेरे को पाने के लिए। बोले जाओ आप उसको दर्शन दो। बोले अभी तक उसने गुरु ग्रहण नहीं किया, अभी गुरु जी से उसने मंत्र ग्रहण नहीं किया। जब तक गुरु से मंत्र नहीं लेता है तब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं होता है। बोले प्रभु आपकी इच्छा से तो सब कुछ होता है। फिर उन्होंने नारद जी को स्मरण किए, फिर नारद जी को उन्होंने भेजा। बोले जाओ उसको ठोक पीट करके उसको मंत्र प्रदान किया, ऐसे नहीं परीक्षा करके मंत्र प्रदान करना। हाँ देखो एक छोटी सी स्टोरी सुना। बोले एक समय कोई एक साधु किसी घर में कथा कर रहा था। कथा करते करते उसने बताया, देखो जो व्यक्ति भगवान की नाम जप करते हैं वो भवसागर से पार हो जाते। उसी घर में एक पिंजरा में एक तोता था। इतने में वो तोता ने बोल पड़ा बीच में, बोले ए बाबा ये सब झूठ बात क्यों कहते हो? भगवान का नाम लेने से संसार से उद्धार हो जाता है। बोले झूठ क्या? बोले तू मेरे को देख ले, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, दिन भर मालिक को साथ में राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी तक तो मेरे को मुक्ति नहीं मिली, एक साधारण पिंजरा से मुक्ति नहीं मिली, अब तू कहते हो भवसागर से पार हो जाता है, बेकार से बात क्यों करते हो? वो तो चुप हो गया। वो घर में आया, अपना गुरु जी को बोले ये बात। गुरु जी बोले देख बेटा कल मैं तेरे साथ में चलूंगा, तुम फिर कथा बोलना। फिर उन्होंने वही कथा बोले, फिर तोता बोल पड़ा। इतने में गुरु जी ने कहा भैया तू ऐसे क्यों बोल रहे हो? तोता ने कहा मेरे को देखो, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ, अभी तक मेरे कोई पिंजरा से मुक्ति नहीं मिली, आप कहते हो भव सागर से पार हो जाएगा। तब इतने बोले देख बेटा तू नाम तो लेते हो लेकिन चूंकि किसी सदगुरु से तुमने नाम ग्रहण नहीं किया, सदगुरु से नाम नहीं लेने का नाते तुमको मुक्ति नहीं मिल रही है। बोले फिर आप मेरे कान में मंत्र दे दो। तब वो जो साधु था उसको कान में मंत्र दे दिया और उसको कुछ मंत्र सिखा दिया। बोले देख बेटा जब तक ये जिंदा रहने का बहाना बनाओगे ना तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले एक काम करना, जब ये कथा की विश्राम हो जाएगी तुम एक नाटक करना, मरने का बहाना बनाना, फिर तुमको निकालेंगे यहाँ से, फिर तेरे अर्थी जब ले जाएगा ना फिर के उड़ जाना। अभी जब कथा विश्राम हो गई इतने में तोता तो मरने का बहाना बनाया। लोग बोले भैया देखो ये तोता का जीवन धन्य है। बोले क्यों? कथा सुनते सुनते शरीर छोड़ा, कितने पुण्यात्मा तोता, चलो इसकी अर्थी हम निकालते हैं। अब इसको अर्थी निकाले, गले में सुंदर माला पहना करके राम नाम सत्य है गोपाल नाम, जब करते करते जा रहे थे इतने में वो तोता तो मरा थोड़ी था, तो जिंदा था, जब ले जा रहे थे ना इतने फर्र करके उड़ गया। जब उड़ गया इतने में वो साधु प्रश्न करता है, बोले क्यों तोता गुरु जी से मंत्र लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? बोले हाँ तभी मुक्ति मिलेगी जब गुरु जी से नाम लोगे, जब गुरु जी से हम नाम ग्रहण करेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। हाँ देखो हमारे संप्रदाय में श्री जीव गोस्वामी एक अच्छी बात बताए, ये भगवान का नाम हम गुरु जी से क्यों लेते हैं? अपने आप भगवान के नाम को क्यों नहीं जप करते हैं, ये गुरु जी से क्यों लेते हैं? उन्होंने एक बढ़िया उदाहरण दिया, अब अच्छे तरह से समझो। कहते ऐसे कुछ वृक्ष है जिस वृक्ष से अगर बीज को आप ले करके आप डायरेक्ट बोल लोगे ना कहते तो पेड़ नहीं होगा, वो नहीं होगा वृक्ष। आपको पता है कौन सा ऐसे वृक्ष है जिस वृक्ष का बीज को आप लेकर के बोगे ना वृक्ष नहीं होगा? बता सकते हो कौन सा वृक्ष है? कौन सा वृक्ष? कहते एक पीपल वृक्ष और एक बरगद वृक्ष देखना। आप कभी भी ये दोनों वृक्ष को किसी पेड़ को नीचे कभी भी ये नहीं देखोगे, ये वृक्ष तभी देखोगे किसी छत के ऊपर में, किसी पेड़ के ऊपर में देखोगे ये वृक्ष को, कभी भी ये दोनों वृक्ष को नीचे नहीं देखोगे। बोले क्यों? बोले उसका एक नियम है, जब वो बीज को कोई चिड़िया खा ले, जब वो चिड़िया के पेट में जाए फिर वो बीट करे फिर तो उससे बीज वृक्ष निकलेगा, नहीं तो उससे वृक्ष नहीं निकलेगी। इसलिए देखना एक वृक्ष होने के लिए तीन चीज की जरूरत है, पहला नंबर मिट्टी, दूसरा नंबर पानी, तीसरा नंबर वायु हवा, ये तभी कोई वृक्ष होगा। लेकिन आप देखना ये बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ छत के ऊपर में सीमेंट के ऊपर में जहां पर कहीं मिट्टी पिट्टी कुछ हो ही नहीं,
लेकिन आप वहां पर भी क्यों जाता है? और इतने जोर जबरदस्ती होता, आप देखे होंगे छत को फाड़ देता है, फाड़ करके वो सीमेंट के ऊपर भी बिरखे हो गए। बोले क्यों? इसका उदाहरण दिया जीव गोस्वामी। उसी तरह जब हम ये मंत्र को जब किसी भक्तों को पास से ग्रहण करते हैं, क्यों? वो भक्त वो मंत्र को जप करते 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 एक दिन वो मंत्र साक्षात भगवत दर्शन रूप में प्रकट होता है। लेकिन जब वो मंत्र को हम किसी साधु से ग्रहण करते हैं, कहते हैं हमारा हृदय निरस होने पर भी, शुष्क होने पर भी, वो निरस हृदय में भी रस का संचार को कर देते हैं। जैसे वाल्मीकि दस रत्ना करता, लेकिन नारद जी कृपा से देखो कैसे भक्त बने। बहेलिया जो जानवर को मार कर खाता था, नारद जी का संग हो गया तो उनको उद्धार हो गया। इसलिए अभी उन्होंने श्री नारद जी आए और बड़े परीक्षा करते हुए श्री ध्रुव महाराज को उन्होंने मंत्र प्रदान किया है। बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और यमुना में स्नान करना और मथुरा में भजन करना, देखो उनको दो चीज मिली, एक तो ब्रजवास मिला और दूसरा चीज बोले यमुना में स्नान करना। ये यमुना कौन है? बोले श्री राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर बहती है, ये यमुना पटरानी है, ये भगवान की पटरानी विशा का स्वरूप है। और यमुना में स्नान और ब्रजधाम में तपस्या, पहला महीना में तो 3 दिन अंतर अंतर में बेर को खा करके, दूसरे महीना में 6 दिन अंतर अंतर में सूखे पत्ते खा करके, तीसरा महीना में 9 दिन को बाद में थोड़ा पानी पी करके, चौथा महीना में 12 दिन को बाद में एक बार हवा लेकर के, पंचवा महीना में हवा भी बंद कर दिए और छठवा महीना में उन्होंने अपना प्राण वायु को खींच लिए। इतने उनकी भक्ति की प्रभाव थी, जब उन्होंने प्राण वायु को खींच लिया सारा दुनिया का हवा बंद हो गई। जैसे किसी नाव में हाथी प्यार रखे, जैसे वो नाव डगमगाती है, ये पृथ्वी भी डगमगाने लग गई, हवा बंद हो गया। देवता लोग भगवान से प्रार्थना की, भगवान बोले कोई चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के दर्शन देता हूँ। फिर भगवान आकर के ध्रुव जी को उन्होंने दर्शन प्रदान करते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, भगवान ने कहा ध्रुव कुछ वर मांगो। बोले प्रभु जी अगर वर करना चाहो तो भक्ति दो। बोले मिल जाएगी। बोले और कुछ लो वर। बोले सत्संग दो। बोले सत्संग क्यों चाहते हो? बोले आज जो आप मिले ना, सत्संग की कृपा से मिले हो, आपका आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, इसलिए आपका संग हमें नहीं चाहिए, आपकी भक्तों का संग हमें चाहिए। क्योंकि उनकी मुखारविंद से आपकी कथा रूपी मंदाकिनी की नदी में जब हम गोता लगाते रहेंगे, ये मन अपने आप की चरण में लगी रहेगी, इसलिए हमें सत्संग दो। बोले और कुछ लो? बोले कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे मेरा एक वैकुंठ है, तेरे नाम पर एक नया वैकुंठ बनाऊंगा जिसका नाम ध्रुव लोक होगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तेरे को सबके सब तेरे नाम याद करते रहेंगे। अब ये 36,000 साल तब पृथ्वी राजत्व करो, उसको बाद में मेरे पास में चले आना। जब श्री ध्रुव महाराज वैकुंठ जा रहे थे, इतने में स्वयं काल भी आ गया। जब स्वयं काल आ गई, बोले यहाँ पर बैठ जाओ। देखो भगवान की भजन में कितने शक्ति, देखो ये ध्रुव महाराज ने ये शरीर को भी नहीं छोड़े, शरीर को त्याग नहीं दिया, ये शरीर में सौ शरीर में उन्होंने काल का सर पर प्यार रख करके और वैकुंठ विजय की। जब वैकुंठ विजय कर रहे थे, हरि बोल, जितने माताएं ध्यान देकर सुना, बहुत अच्छी बात, ये माताओं के लिए अच्छा, एक मन से सुना। जब ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे थे, इतने में मैया की याद आ गई। ध्रुव महाराज बोले मेरे मैया कहाँ है? बोले भैया मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले आज जो मेरे को प्रभु मिले, ये माँ के आशीर्वाद से, ये माँ मेरे को बोले थे। बोले बेटा ये दुनिया कब तक रहेगा, पिता कब तक रहेंगे,
ठाकुर जी की गोद में बैठो, जब तक ठाकुर को गोद में नहीं बैठते ना ये संसार में आते जाते रहोगे, उनकी गोद में बैठोगे तो पूरा जन्म मृत्यु से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। माँ की आशीर्वाद से मेरे को भगवान मिले, इसलिए माँ को लिए बगैर वैकुंठ नहीं जाऊंगा। तब भगवान, तब श्री विष्णुदूत कहते हैं, जो ऐसे जो माँ बच्चे को भक्ति के मार्ग दिखाए, देख बेटा तेरे से पहले तेरी माँ वैकुंठ जा रही है, तू आगे नहीं, तू पीछे पीछे जा रहे हो, माँ के पीछे तुम आगे नहीं जा रहे हो, माँ के पीछे पीछे तू वैकुंठ जा रहे हो। देखो अगर बच्चे को भक्ति का मार्ग अब दिखाओगे ना, वैकुंठ आप पहले जाओगे, बेटा नहीं जाएगा, पहले आप जाओगे, आप तो पीछे पीछे बेटा जाएगा। लेकिन अगर बच्चों को भजन में नहीं लगाए, देखो ध्यान देकर, ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, ध्यान देकर सुनो, अगर बच्चे को अगर प्रभु का भजन में नहीं लगाए फिर इसका दुर्गति क्या है। देखो आप रामायण सुने होंगे, जिस समय राम और सीता वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण अपना माँ सुमित्रा को पास में आते, बोले माँ मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया की सेवा करने के लिए जाऊं। सुमित्रा इतने प्रसन्न हो गई, इतने खुश हो गई, देखो तो क्या कहती है, बोले पुत्रवती जुबती जगस्वई रघुपति भक्ति जासुसुत होई। बोले बेटा आज तेरे जैसे बेटे को मैं जन्म दे करके आज मेरे कोख धन्य हो गया है। उसी माँ को, बोले उसी माँ को बच्चा जन्म देना सार्थकता है। अगर बेटे अगर प्रभु का भजन किया तो, अगर बेटे अगर भजन नहीं किया तो, दूसरे लाइन में श्री सुमित्रा कहती हैं, अगर बेटे को अगर प्रभु का भजन में नहीं लगा पाए, कहते माँ को बांध रहना सही। वो कहती है बच्चे जन्म मत दिया करो, बच्चे को जन्म मत दो। बोले क्यों? बोले जब भजन नहीं करेगा, अगर बच्चा अगर उल्टा रास्ता में जाएगा तो कहते उसका भी पाप फल कहते पिता माता को भोगना पड़ जाएगा। इसलिए पुराण में एक कथा आती है, बोले एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, रत्न सिंहासन में अप्सरियां सेवा कर रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में भी बैठ बैठ करके रो रहा था। योगी ने पूछा, भैया तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आए और यहाँ पर तुम्हारी अप्सरियां तुम्हारी सेवा कर रही है, लेकिन यहाँ पर तो बैठे बैठे कर रो रहे हैं क्यों? बोले देखो मेरे से की गलती हो गई, मैंने बच्चों को सद्मार्ग नहीं दिखाया, और मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था वो बच्चे अभी वो पैसा को गलत काम पर लगा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। चूंकि पैसा मैंने ही कमा करके आया था और मेरे पैसा को ये दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए मेरे को ये वैकुंठ में, ये स्वर्ग में भी इसका पाप हमें भोगना पड़ रहा है। आप समझ गए कि नहीं? अगर बच्चे को प्रभु का भजन में लगाए इसका पुण्य तो मिलेगा, अगर बच्चे अगर गलत रास्ता पर गए तो इसका पाप भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए सुमित्रा कहती है तब भी बच्चों को जन्म दो, अगर बच्चों को भजन करा पाओगे तो, नहीं तो सुमित्रा कहती है माँ को बांझ रहना सही, लेकिन बच्चे जन्म मत दो। क्यों? इसी जीवन में भी दुख उठाओगे और मरने के बाद भी दुख उठाओगे, यहाँ भी दुख और वहां पर भी दुख है। इसलिए जब ध्रुव महाराज जी वैकुंठ विजय किए, नारद बिना ले लेकर के नाच नाच करके कीर्तन कर रहे थे, बोले क्यों? बोले आज मेरी कृपा से एक व्यक्ति वैकुंठ विजय कर रहा है, भगवत धाम को जा रहे हैं। तात्पर्य है गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं? बोले गुरु जी हमसे एक चीज ही चाहते हैं, आप निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करो, निष्काम होकर के प्रभु की भक्ति करो। अगर प्रभु की भक्ति करके अगर एक शिष्य अगर प्रभु के पास में चले जाए, गुरु जी सोचते हैं भैया मेरा मंत्र देना, मेरा भक्ति करना, मेरे उपदेश देना सार्थकता हो गया है। इसलिए सदगुरु हमसे एक चीज को प्रार्थना करते हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री ध्रुव महाराज की, बोले जय जय श्री राम। बामन भगवान बनाया किसको? बनाया बामन किसको बनाया? कौन है किसको बनाया? बनाया ना, अभी 5 मिनट में ले आना, ठीक है? अभी 5 मिनट कथा के बाद ले आना। हरे कृष्णा, अभी श्री बामन आएंगे, मेरे भगवान कन्हैया आएंगे। हरे कृष्णा। देखो इसको बीच में एक कथा आती है, श्री अजामिल की कथा आती है। ये अजामिल बहुत बड़ा पापी था, पहले ब्राह्मण कुल में जन्म लिया,
लेकिन किसी असत संग से उसने सारे ब्राह्मण का धर्म कर्म छोड़ दिया। छोड़ करके एक बेस्या को साथ में रहा, उससे 10 बच्चे हुए, लेकिन किसी तरह से जो छोटा बेटा था उसका नाम से नारायण रख लिया। सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी बात बात में नारायण इधर आ, नारायण तू कहाँ हो, नारायण पानी ले आ, नारायण मेरे गोद में आओ। अंतिम समय जब मृत्यु का समय आई, हम काय मन और वाक्य से ये सारे कर्म करते हैं। अब 3 जमदूत उसको लेने के लिए आए। अभी उसने डरते हुए अपना बेटे को जोर से बुलाई और बेटा खेल रहा था दूर में, बोले नारायण नारायण, ये 4 अक्षर। इतने में 4 झट वैकुंठ से 4 दूत आ गए और जमदूत और जमदूत और वैकुंठ दूत से बड़ी वार्तालाप, बड़ा लड़ाई हुई। जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हम ले जाएंगे। इतने में जमदूत बोले तुमको क्यों ले जाओगे, और विष्णुदूत कहते तुम क्यों ले जाओगे। जमदूत ने कहा देखो, इसने अपना धर्म पत्नी को त्याग दी ब्राह्मण को, और उसने वेश्या को साथ में रहा, अमेध्य कुमेध्य उसने भोजन किया, सारे पाप उसने कर्म किया, इसने सीधा नरक जाएगा। बोले भैया उसने पाप तो किया लेकिन पुण्य भी तो कुछ किया। बोले क्या पुण्य किया। बोला उसने अंतिम समय में जो भगवान का नाम लिया, अपना बेटा का नाम नारायण लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो और मरने से पहले एक बार राम बोल दो, नारायण बोल दो, उधार हो जाएगा। तब उन्होंने बोले देखो आप कहते हो भगवान को बुलाया। बोले हाँ। बोले भगवान को कब बुलाया, वो तो अपने बेटे को बुलाया था, वो तो भगवान को बुलाया नहीं। बोले देखो जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया, उसी समय सारे पाप नष्ट हो गए। फिर बेटे को उसने बारंबार नारायण नारायण बुलाया, जैसे हम माला जप करते हैं ना, वो हो गया माला जप। लेकिन उसने जब अंतिम समय में जब भगवान को बुलाया, ये भगवान की बड़ी कृपा है। बोले भगवान को नहीं, अपना बेटे को बुलाया था। तो उन्होंने बोले देखो भगवान का नाम 4 तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे। बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन नलवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। बोले पहला नंबर है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब होता है इशारा करके, जैसे बेटा का नाम राम कृष्ण गोविंद रख दिया, बार बार उसको कृष्ण गोविंद बुलाते हो। बेटी का नाम राधा रख लिया, ललिता रख लिया, बारंबार उसको ठाकुर का नाम से बुलाते हो, इसमें भी कल्याण होता है। इसलिए आप देखना जितने बड़े बूढ़ों का पूछ लो, नाम पूछ लो, सबका नाम पूछ लो, किसका नाम कृष्ण गोविंद राम हैं, सब माताओं का नाम राधा ललिता सीता गीता लक्ष्मी, सब ऐसे नाम पहले रखते थे। बोले क्यों। बोले कम से कम भगवान की नाम लेकर के बच्चों को उद्देश्य करके प्रभु का नाम निकल जाए। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, टुल्लू बुल्लू पिंकी पिंकी, ये विदेश में जितने कुत्ते कुत्ते है ना, उसे कुत्तों का नाम बच्चों का नाम करवा दो। कहते नहीं ये सब पुराना नाम था ना, ये कृष्ण गोविंद सब पुराना नाम था, अभी तो हम अंग्रेजी बच्चों को पढ़ा रहे ना। लेकिन आप लोग वृंदावन में जाओ, देखना अंग्रेजी बच्चों का नाम पूछना, छोटे छोटे बच्चों को, वो गुरुकुल में पढ़ते हैं, देखना उनका नाम पूछ कर देखना हैं, उनका नाम को कृष्ण गोविंद दामोदर, लड़कियों को गीता सीता ललिता विशाखा रूपमंजरी लक्ष्मीमंजरी। अभी वो लोग हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग उनकी संस्कृति को। देखो एक संत कह रहे थे जो सूरज है, ध्यान देकर सुनो, सूरज पूर्व दिशा में उदय होकर के वो पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। सूरज क्या होता है, पूर्व दिशा में उदय होकर कहाँ अस्त कहाँ होते हैं, पश्चिम। अगर पश्चिम दिशा से सूरज उदय होकर के अगर पूर्व दिशा में अस्त हो तो क्या होगा बता। नियम है पूर्व से सूर्य उदय होकर पश्चिम, लेकिन अगर पश्चिम से अगर सूर्य उदय होकर के अगर पूर्व में अगर खत्म हो, ये ठीक नहीं। इसलिए पूर्वी कहाँ है, इंडिया, ये भारत, ये पूर्वी है, ये पूर्व दिशा है। लेकिन ये पश्चिम दिशा का अगर संस्कृति अगर ये पूर्व दिशा में आएगा ना, एक दिन ये डूब जाएगी हमारी भारत, एक दिन ये डूब जाएगी। इसलिए देखना अभी कोई संतान पिता माता की बात सुनना नहीं चाहते। अंग्रेजी को खान पान रहन सहन चाल चलन को हम लोग बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, ये पूर्वी का जो हमारी संस्कृति को
साड़ी पहनना, धोती पहनना, गले में कंठी माला तिलक पहनना, वो अभी धीरे धीरे हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। एक पूर्वी से अगर पश्चिम जाए तो ये भारत पूर्वी दिशा है, यहाँ की संस्कृति अगर पश्चिम दिशा में जाए कल्याण ही, अगर उनकी संस्कृति पश्चिम दिशा का संस्कृति पूर्व में आए भारत डूबने वाला है, ये भारत डूबने वाले ये भारत है। इसलिए हमारी संस्कृति महान संस्कृति है, अगर हम बचना चाहते तो अपना बच्चों को भक्ति की संस्कार दो, भगवान भजन की संस्कार दो, जिससे बच्चे कल्याण हो और बच्चे भगवान की नाम और भगवान की भक्ति करें। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण, हम लोग कोई बोल नहीं रहे, अकेला बोल कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके आप बोलो, मैं सुनूंगा। बलसे वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक मिनट मेरे पीछे भी थोड़ा कीर्तन कर लो, बोल हरे कृष्ण हरे। देखो इसमें तीन नाम है, हरे कृष्ण राम। हरे मतलब क्या, हरे मतलब होता है हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि है। कृष्ण मतलब मन बड़ा चंचल है, क्री मतलब बोलने पर ये चंचल मन को जो खेच करके ले आए, असना मतलब आनंद दे, बोले राम मतलब जीवन में हमें जो आराम प्रदान करे। इसलिए ये भगवान का नाम, जो नाम है इसमें जो मतलब है ना वही फल देता है। आप बोलकर हरे कृष्ण करने से क्या होता है, नहीं, ये सप्त का बड़ा महत्व है, सप्त की बड़ी महत्व है। जैसे आपका नाम क्या माता जी, बोलो नेहा। जैसे देखो सप्त की महत्व, देखो अगर मैं बोलूं, देखो नेहा माता जी बड़ी दयालु, बहुत अच्छी स्वभाव की है, दूसरों के ऊपर दया करती हैं, हैं दूसरों के ऊपर कल्याण करती हैं, सबको स्नेह देती हैं, बहुत अच्छी नेचर की शब्द है ना, वो खुश हो जाएगी, शब्द खुश होगी कि नहीं। अगर किसको अगर थोड़ी सी गाली दे दे तो देखना झट उसको क्रोध आ जाता है, ये शब्द ही ना। मोदी का इतना नाम क्यों, बढ़िया लेक्चर देता है, बढ़िया उसने उसका जैसे लेक्चर कोई नहीं देता है, इतने बढ़िया दुनिया जो क्यों शब्द जगत में जो चल रहा है ना वो शब्द के ऊपर सारा दुनिया चल रही है। इसलिए अगर साधारण शब्द में अगर ये शक्ति हो फिर ठाकुर का नाम में क्या शक्ति नहीं होगा। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, इसलिए भगवान के नाम से ही जीव को शांति मिलती है। इसलिए मेरे पीछे पीछे शब्द बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। सब पीछे पीछे बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से जीवित करते। एक समय देवता लोग ठाकुर के पास में गए, बोले हम अमर कैसे बनी गोर समुद्र मंथन करो, अमृत निकला उसको पी करके अमर तो प्राप्त करोगे। मंथन किया तो सबसे पहले हलाल विष निकला। शंकर जी को प्रार्थना किया, शंकर जी टन टन के जहर उन्होंने पान कर लिए, लेकिन उन्होंने कहां धारण किया, बोले गले में, बोले मुंह में नहीं, हृदय में नहीं, गले में। क्यों क्यों गले में धारण किया? इसलिए शंकर जी का गला हो गया नीब, इसलिए शंकर जी का एक नाम भी है, क्या है अब सब जानते हो, सो लगता है सब पंडित बैठे हैं, इसलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ हो गया। इसलिए शंकर जी हमें शिक्षा देते हैं, देखो कोई गंदी चीज हो ना, दिल में मत रखा करो और उसको मुंह में भी मत रखा करो, क्योंकि मुंह में भी रखोगे गलती और हृदय में भी रखोगे गलती। अगर उसको अगर मुंह में रख लिया ना, फिर महाभारत सृष्टि हो जाएगा, फिर ये महाभारत सृष्टि होगा। बोले ये महाभारत क्यों हुआ, कारण क्या, तो उसका कारण बताए, ये मोह जीवा। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हमारी सब चीज में हड्डी है, देखो अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी सीधा बैठे हो, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, कौन बोलेगा हाथ उठा, हम लोग सब जानते हो। इसलिए जीव में हड्डी नहीं, इसलिए देखना वर्ष में लपर 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 करता है, वो कुछ बोलता रहेगा, और ये जीवा ही घर में लड़ाई लगाता है। ये महाभारत क्यों हुआ, द्रौपदी ने इतनी सी बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, बस इतने में ही दुर्योधन को क्रोध आया, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है, इसका तेरे को मजा चखाऊंगा। भरी सभा में वस्त्र हरण करने की कोशिश की और महाभारत हो गया। बोले रामायण क्यों हुई, बोले ये जीवा से, ये सीता माता ने गलती की, सीता तो करती नहीं, ये तो लक्ष्मी है, हमको शिक्षा देती है। बोले जिस समय राम श्री मारी जी हिरण बन करके आए और मैया सीता बोले हिरण को पकड़ करके ला दो, राम चले गए, लक्ष्मण को बोले जाना नहीं, लेकिन वो हिरण नहीं वो मारी जी था, राम बाण मारे तो मारी जी बोले भैया लक्ष्मण बचाओ, मैया सीता बोले देखो बड़े भाई को ऊपर कोई विपत्ति आए तो चले जा, बोले नहीं भगवान राम को ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, इनका आदेश आपको छोड़ करके नहीं जाए। इतने में सीता ने क्या बोली, बोले मैं समझ गई साथ में क्यों आई थी, ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो तुम मेरे से शादी करोगे, और लक्ष्मण तो सीता को अपना माँ समझती है। इतने में उन्होंने लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण रेखा को काट करके चली गई। देखो ये माताओं को शिक्षा देती है,
ये कभी भी वो दो चीज को उल्लंघन मत करना। पहला तो ये जिह्वा को चलाना नहीं। अगर बोलोगे ये जिह्वा को अगर चलाओगे, सीता बोल दी ना, इतनी सी सीता जी बोल दी, इतने बात बोल दी, तो इस कारण से लक्ष्मण गए और सीता दूसरी काम किया कि लक्ष्मण रेखा को उसने पार कर दिया और रावण ने क्या किया, उठा कर ले गया। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हम अपना मर्यादा को अगर पार करेंगे ना, हमें भी रावण कहीं उठा कर ले जाएगा। इसलिए कभी भी अपना मर्यादा रेखा से पार कभी मत होना, नहीं तो रावण हमें उठा करके ले जाएगा। इसलिए शंकर जी शिक्षा देते हैं, अगर कोई गंदी चीज होगा तो मुंह में नहीं, हृदय में नहीं, इसको कंठ में धारण कर लो। समुद्र मंथन से अमृत निकली, फिर देवता दैत्य में लड़ाई हुई, इतने में भगवान मोहिनी बन करके आए, बोले तुम लोग दो लाइन करके बैठो, बोले देवता को ऊपर ऊपर का पानी पिला देता हूँ। इतने में सारे अमृत उन्होंने देवता को पिला दी और अंतर ध्यान हो गई। देवता दैत्य में लड़ाई हुई, देवता अमृत पी चुके थे, जैसे केले का पेड़ काटते हैं ना, दैत्यों को काटना शुरू कर दी। फिर ब्रह्मा जी आकर उनको बंद किया, फिर उनको गुरु जी जगा दी, फिर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ से एक रथ निकला, वो रथ के ऊपर कोई बैठ करके युद्ध करेगा तो कोई परास्त नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने स्वर्ग राज्य में आक्रमण करके देवता को मार मार कर भगा दी और देवता का माता अदिति कश्यप जी से प्रार्थना की, मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगी, बोले तुम्हें एक काम करो, केवल 12 दिन का पय व्रत करो, भगवान बामन देव प्रकट होंगे। फिर भगवान श्री बामन देव प्रकट होते हैं, बोले श्री बामन भगवान की। भैया बामन कहा, बामन भगवान को ले आ जाओ। अब जब भगवान बामन देव प्रकट हुए, उनको उपनयन संस्कार हुई, उपनयन संस्कार के बाद में नियम है, बच्चे को भिक्षा गुरु जी को दक्षिणा देना पड़ता है। गुरु जी बोले देखो बलि महाराज से स्वर्ग राज्य को मांग करके लाओ। जब श्री बलि महाराज के दरबार में पहुंचे, इनके रूप देख करके बलि महाराज आश्चर्य हो गए, चरण पूजा की, चरण धुए, चरणामृत लिया, बोले जीवन मेरा धन्य हो गया है, आज इतने दान दूंगा कहीं भी झोली पसारने का जरूरत नहीं। बोले पहले संकल्प करो। जब उन्होंने संकल्प करने जा रहे थे, इतने में शुक्राचार्य को पता था, भागते भागते आए, बोले बलि सावधान, जानता हूँ ये बालक कौन। बोले कौन, बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, वही मोहिनी अब ये मोहन बन करके आया, मोहिनी ने ये मोहन बन करके आया, इसलिए ये तीन पग जमीनी नहीं, ये त्रिभुवन का राज्य ले जाए, इधर ये त्रिभुवन का, इधर कर, इसलिए त्रिभुवन का ये राज्य ले जाएगा, खबरदार इनको दान मत दिया करना। बलि महाराज तो खुश हो गए, बोले मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, आप स्वयं कहते हो ठाकुर जी ये बामन बन करके आए, सारा दुनिया तो ठाकुर जी का, ठाकुर तो इच्छा करने पर सब ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास में भिक्षा मांगने के लिए आए, मेरे जैसे कोई पुण्यात्मा कभी होगा, मैं तो जरूर दान दूंगा। बोले मैं गुरु जी हूँ, मेरे गुरु जी का बात नहीं सुनोगे, बोले नहीं, बोले तू श्री भ्रष्ट हो जा, बोले कोई बात नहीं। हाँ देखो नियम है, गुरु त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर श्री बलि महाराज शुक्राचार्य को त्याग दिया। बोले क्यों त्याग दिया, बोले कारण है इन्होंने भगवत सेवा में मना किया है। बोले गुरु जी का काम किया, बोले गुरु जी का काम है अखंड मंडलाकारम व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शितम जेन तस्मय श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम है जो भगवान जो कण कण में विद्यमान है उनकी चरण को जो दर्शन करा दे, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी आए कहते ठाकुर के दान मत दिया करो। इसलिए कहते अगर कभी गुरु जी भक्ति का विरोध काम किए, गुरु जी कभी भक्ति की विरोध काम किए हैं, कहते भैया गुरु जी को त्याग देने में कोई दोष नहीं, इसलिए उन्होंने त्याग दिए। इतने में उन्होंने संकल्प किया तो फिर उसने कमंडल में आकर के बैठ गया, फिर एक आंख ही चली गई। शिक्षा देते हैं खबरदार कभी भी भगवत भक्ति में टांग अड़ाए मत करो, कभी भी भगवान की भजन में टांग अड़ाया मत करो, नहीं तो आंख काड़ा हो जाओगे। हाँ कभी कभी इस दुनिया में बुरे काम में तो सब साथ देते हैं, लेकिन कोई अच्छे काम करो ना, भले सब क्या काम, बेकार काम, पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये भक्ति भक्ति भजन भजन किया सब बेकार है, लेकिन गंदे काम में देखना सब मदद करेंगे, उल्टा पुल्टा काम में मदद करेंगे, लेकिन प्रभु का भक्ति काम हो ना उसमें विरोध डालेंगे। इसलिए अभी उनकी आंख ही चली गई, इतने में उन्होंने संकल्प किया, ठाकुर जी एक पग में
भूर भुग मोह जन तप और सत्य लोक तक नाप लिया, एक चरण पहुंचा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड भेद करके ब्रह्म लोक में श्री ब्रह्मा जी अभिषेक करते हुए जो चरणामृत रखे वही पतित भाव श्री गंगा देवी बनी। बोले श्री गंगा देवी की जय। जयकार ठीक से नहीं दे रहे। बोले श्री गंगा देवी की जय। दूसरे पग में अकल बीतल अकल अकल पाताल। बोले बताओ तीसरे पग कहाँ रखे। इतने में उन्होंने गौरव को द्वारा नाग फांस बंधन में बांध दिए, लेकिन उनका जो पत्नी है ना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पत्नी थी। पत्नी ने बोले भगवान को किया दिया दुनिया, ठाकुर का ठाकुर ले लिया। अरे जब तक खुद को खुद नहीं देते हो थोड़ी देना होता है। इसलिए बोलो मेरे सर पर रखो, आत्मसमर्पण कर दो। बलि महाराज खुश हो गए, भैया पत्नी ऐसे होनी चाहिए। इसलिए स्त्री का नाम पत्नी, पत्नी मतलब क्या है, प मतलब होता है पतन, ती मतलब पति को जो कभी पतन होने नहीं दे। पति को हर समय में सुख और दुख में हर समय जो पति की संगत में रहे, हर समय पति को धर्म मार्ग में चलाए, कभी उसको गलत मार्ग में चलाए नहीं, इसलिए उसका नाम पत्नी। बड़ी खुश हो गई, तो अच्छी हो। बोले प्रभु ये बताओ, दान बढ़ाना दानी बढ़ा। बोले दानी बढ़ा। बोले तो आप तो दान ही लिए, दानी अभी बाकी है। बोले बताओ कहाँ पर रखोगे, आपका प्यार कहाँ पर रखेंगे कहाँ। बोले सर पर। फिर प्रभु ने तीसरी चरण श्री बलि महाराज का सर पर रखे। सारे देवता लोग देख देख करके बोले हे भगवान। बोले शेष महेश गणेश दिनेश जिनके चरण को पाने के लिए तपस्या करते हैं, आज दुर्लभ चरण उन्होंने श्री बलि महाराज का सर पर रखे। बोले श्री बलि भगवान की। देखो इधर सुनो, अभी भगवान आपके पास में भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा महत्व है। जैसे सुदामा ने दो मोटी चिड़िया दिए, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दिए, अभी सारा जीवन ठाकुर को हमें दिए है, अभी ठाकुर जी आपको पास में जाएंगे, भगवान को दान देने का बड़ा पुण्य है। आप लोग थोड़ा थोड़ा भगवान को दान देना, ठीक है। अभी प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे आप, और जो नंद जसोदा तैयारी के लिए नंद जसोदा को बोल दो, और भगवान को टोकरी में भगवान को रख करके हरे कृष्ण ये नवीन तुम थोड़ा चले जाओ, थोड़ी सी उनको सजा करके ना पगड़ी बना करके, और वो कोने से ले करके, ठीक है, वो कोने से घर से नीचे इधर से नहीं तो इधर से नवीन कितने से इधर से उनको थोड़ी सी सजा देना, जो नंद जसोदा लेके थोड़ी उनको सजा देना। इसको ले जा तेरे द्वार खड़ा भगवान, वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत जनन जनन सा मेरा
सबसे ज्यादा प्यारी कथा किसकी है? बोले राम और भगवान कृष्ण की। इनकी कथा सबसे सुंदर और सबसे प्यारी कथा है, इसलिए इनकी कथा आती है। बोले श्री कश्यप जी की परंपरा में एक राजा है जिनका नाम था श्राद्ध देवंगन। घर में बैठो, इसलिए इनके घर में सारे सुख है लेकिन घर में कोई संतान नहीं, इसलिए राजा बड़े दुखी। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को बोले, वशिष्ठ के यज्ञ करवाए, राजा की इच्छा घर में बेटा हो लेकिन रानी की इच्छा घर में बेटी हो। देखो पहले क्या मंत्र शक्ति था, जब ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, इतने में रानी जा करके
इनके कान से बोली, देखो ब्राह्मणों, अगर घर में एक बेटी जन्म लेगी ना, फिर मुंह मांगी तुम्हें दक्षिणा दूंगा, लेकिन अगर बेटा होगा तो कोई दक्षिणा बक्षिणा नहीं मिलेगा। अभी ब्राह्मण लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, ऐसे मंत्र था, ऐसे मंत्र पढ़ करके यज्ञ करते थे, जो मंत्र से अगर खीर बनाया जाए उसको खाने से बेटा होगा, और ऐसे मंत्र होता था अगर उसको पढ़ करके खीर बनाए खाए तो उसमें बेटी होगा। तो उन्होंने बेटा का मंत्र नहीं पढ़ करके बेटी की मंत्र पढ़ दी, और रानी खाई, घर में एला नामक बड़ी सुंदरी कन्या जन्म हुई। इतने में राजा ने जा करके बोले, बोले ऋषि जी को, श्री वशिष्ठ जी को, हमने तो कहा था घर में बेटा हो, ये बेटी कैसे हो गई। वशिष्ठ जी बुलाए ब्राह्मण को, बोले भैया बेटा नहीं हो गए, बेटी कैसे हुई। बोले इसमें हमारी कोई दोष नहीं, इनके घर में एक मत नहीं है, राजा कहता है बेटा हो, रानी कहती है बेटी हो। रानी ने बोली अगर बेटी होगी ना मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, इसलिए हमने बेटी का मंत्र पढ़ दिए। इतने में वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजा, घर में अगर बेटी आए ना, दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आए, घर में लक्ष्मी आए, लेकिन बेटा आए तो कोई कहता है नारायण आया, कोई बोलता है नहीं, घर में बेटी आए तो क्या कहते, घर में लक्ष्मी आई। और बेटी का जो दान है ना, जो ना सर्वश्रेष्ठ दान कन्या दान है, लेकिन जगत में अगर बेटी जन्म हो तो हम दुखी हो जाते हैं, अगर बेटा जन्म हो तो हम सुखी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होनी चाहिए। बेटा बेटी को हम बहुत सारी जगह में हम जाते हैं, घर में जब बेटा का शादी हो जाता है ना, फिर तो कभी कभी इतने लड़ाई झगड़ा होता है, इतने लड़ाई झगड़ा होता है, बस घर से पिता माता बड़े दुखी हो जाते हैं, और लास्ट में जा करके बेटी को पास में सहारा लेते हैं, बड़े स्थानों में हमने देखा है। इसलिए हर समय बेटा हो बेटी हो दोनों को सही सही दोनों को आदर करनी चाहिए। अभी बोले नहीं हमें तो बेटा चाहिए, देखो ऋषि को पास में कितना शक्ति है, उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़े जो बेटी थी ना वो बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया, जिसका नाम सुधुम्न हुआ। एक दिन सुधुम्न जब बड़ा हो गया, एक दिन हो गया था जंगल में शिकार खेलने के लिए अपना सैन्य सामंत को लेकर के, लेकिन वो जंगल में प्रवेश करते ही जितने घोड़ा सब घोड़ी और जितने सैनिक सब लड़की और जो राजकुमार हो गई राजकुमारी, सबके सब स्त्री बन गए। अपने आप को देखे बोले भैया ये क्या हो गया, हम सबके सब लड़की कैसे बन गए, क्योंकि वो जो जंगल था शंकर जी की, शंकर पार्वती वो जंगल में रहते थे। एक दिन चतुसन शंकर जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, और शंकर पार्वती तो न मिल रहे थे, इतने में मैया पार्वती को तो बड़ी शर्मिंदा आ गई। शंकर जी को बोले ये कोई घर गृहस्थी है, जिसकी इच्छा हो वही मुंह उठा करके आ जाते हैं। शंकर जी अभिशाप दिए, अगर इस जंगल में कोई लड़का आए ना सबके सब लड़की बन जाएंगे। अभी तो सबके सब लड़की बन गए, कोई शर्म कुमार राज्य में नहीं आ पा रहे। फिर राजा के पास में खबर गया, फिर तुम्हारे बेटा बेटी हो गया। फिर गए उन्होंने वशिष्ठ के पास में, फिर वशिष्ठ शंकर जी के पास में गए। शंकर जी बोले देखो एक काम मैं कर सकता हूँ, आपका बेटी एक महीना बेटी रहेगी और एक महीना बेटा रहेगा, इतना तो कर सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता। बोले कोई बात नहीं, जब उसने बेटी रही वो शादी हुई बुध को साथ में, बुध को साथ में शादी हुई तो उसकी गर्भ से जो संतान हुई उसी संतान का परंपरा में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान कृष्ण। लेकिन जब वो सुधुम्न रहा, फिर उसकी शादी हुई, उसी समय जो संतान जन्म हुआ उससे सूर्य वंश आया जिसमें भगवान राम आए, एक व्यक्ति से ही चंद्र वंश में कृष्ण और सूर्य वंश में भगवान राम। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, एक व्यक्ति से ही चंद्र और सूर्य वंश आए, और ये दोनों वंश में हमारे जो सबसे जो प्यारे जो भगवान हैं भगवान कृष्ण और भगवान राम इसी वंश में जन्म हुए। बोले श्री कृष्ण बलराम की, बोले श्री राम लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण जन्म की कथा सुनाएंगे। इतने में जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, उनके हृदय में भगवान की सारे सीरियल अपने आप उतरने लग गया, प्रभु की प्यारी प्यारी लीला देखने लग गई। उन्होंने किया कि एक श्लोक बोले
और एक श्लोक में पूरा कृष्ण कथा सुनाती है। कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में जन्म हुए, और गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया, कैसे धूमधाम में जन्म उत्सव हुई, कैसे उन्होंने पुतना अघासुर बकासुर को मारे, कैसे रास रचाए, कंस को उद्धार की, द्वारका में गए, 16,160 पटरानियों से शादी की, हर पत्नी से 8-8 10-10 बेटे एक एक बेटी हुई, भगवान अभिशाप को ग्रहण किया, प्रभास क्षेत्र में अंतिम लीला को समाप्त कर दी। इतना बोल करके उन्होंने बोला श्री कृष्ण के नैया लाल की, उन्होंने जयकार दिया और चुप हो गए। परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया, बोले पूरी कृष्ण कथा नहीं सुना दी तो, बोले भैया मैं 4-4 दिन से इसलिए बैठा हुआ हूँ कृष्ण कथा सुनने के लिए, लेकिन अगस्त ऋषि जैसे एक चूल में सारे समुद्र को पान कर लिया आप ऐसे कर लिया, कृष्ण मेरे कुल देवता है, गर्भ में उन्होंने ही मेरे को रखा की, उनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, मैं तो मेरे को तृप्त नहीं हुआ, मेरे को विस्तृत रूप में कृष्ण कथा सुनाओ। फिर उन्होंने 3 दिन तक उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई। कभी यहाँ प्रश्न है, फिर उन्होंने एक श्लोक में क्यों कृष्ण कथा सुना, देखो इसका रहस्य समझो। उदाहरण दिए है, जैसे कोई एक व्यक्ति बड़ी गर्मी है, जेठ की महीना बड़ी गर्मी, कोई व्यक्ति गर्मी से आ रहा है, छाती फट रहा है प्यास के मारे, एक ग्लास उनको जूस पकड़वा दिया, फिर वो क्या करेगा, एक साथ में ढक ढक करके एक साथ में पी लेगा, एक साथ में पी लेगा, क्यों, छाती फट रहा था। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ये कौन है, बोले राधा रानी की प्रिय सुख है, ये भी सोच रहे थे भैया कब कृष्ण कथा आए और मैं दिल भर करके कृष्ण कथा बोलूं। इसलिए जब कृष्ण कथा आने लग गई, फिर तो उन्होंने एक श्लोक में पूरी की पूरी कृष्ण कथा को मान कर दिया। ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है, ये परीक्षित को ये परीक्षा करना चाहते हैं, परीक्षित को परीक्षा करना चाहते हैं, सचमुच से किया कथा सुनने के लिए बैठा ना, वैसे बैठा हुआ है, उनने एक श्लोक में पूरी कथा सुना दिए, चुप हो गए। जब चुप हो गए बोले परीक्षित 4-4 दिन हो गया अभी तक तुमने एक बूंद पानी भी नहीं पिया, थोड़ी सी पानी तो पी ले, थोड़ी सा पानी पी ले। बोले प्रभु पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी हुई है, आप कह रहे हो पानी पीने के लिए, प्रभु जी आपकी मुखारविंद से भगवान की कथा रूपी जो मंदाकिनी की नदी बह रही है उसको पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूँ, अगर आप कथा को बंद कर दोगे ना फिर मेरे को प्यास लगने लग जाएगी, इसलिए प्रभु कथा बंद मत करो, आपकी जो मुखारविंद है जैसे कि चंद्रमा है और मैं एक चकोरा हूँ, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा का किरणों को पान करते हैं ऐसे ही आपकी मुखारविंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी में मैं गोता लगा रहा हूँ, आप कथा को बंद मत करो। फिर तो प्रसन्न हो गए, फिर तो 3 दिन तक उन्होंने कृष्ण कथा सुनाए। इसलिए बोले भगवान की जो कथा है बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है। इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं बोले आधरंग माधुरंग बदनंग माधुरंग नायनंग चलना बोलना सुनना ठाकुर पूरा मिठाई मिठाई है, जैसे रसगुल्ला से जिधर खाओ ना वो उधर मिठाई है। इसलिए वेद में जिनको कहते हैं रस बैस रसम जवायाम लघ आनंद भवती, भगवान कैसे हैं, बोले भगवान पूरा रस ही रस है भगवान, जैसे रसगुल्ला है ना, आप लोग रसगुल्ला खाए कि नहीं, रसगुल्ला कब होता है, जब गुल्ले को
रस में डूबो दो ना कि रसगुल्ला हो जाता है। इसलिए क्या भगवान ऐसे बोले? नहीं, ऐसे नहीं, रस को गुल्ले में डुबाओ तो रसगुल्ला बन जाए। बोले भगवान पूरा ही भगवान रसी है। कहते भगवान की कथा तीन लोगों को पवित्र करती है, सुनने वाले, बोलने वाले और प्रश्न करने वाले। और तीन गंगा है, एक मंदाकिनी आकाश में इसी जगत में भागीरथी और पाताल में भोगवती। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती है, कृष्ण कथा भी सभी को पवित्र करती है। कृष्ण कथा में इतने रस है जो ज्ञानी जोगी कर्मी सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति जब कृष्ण कथा को सुने पागल हो गए, सब कुछ छोड़ दिए। अगर कोई संसार समुद्र से पार होना चाहते, जीवन में परम सुख पाना चाहते, क्या करो? बोले भगवान की कथा रूपी नदी में गोता लगाते रहो। भगवान की कथा ही जीवन में बड़ा आनंद, बड़े शांति ठाकुर कथा प्रदान करती है। जब श्री वसुदेव को साथ में देवकी की शादी हुई और कंस उनको विदाई दे रहा था, आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। इतने में कंस ने देखा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब मारने जा रहा था, इतने में स्वयं वसुदेव महाराज, उन्होंने तरह तरह से उनको समझाने के लिए कोशिश की, साम दाम दंड भेद नीति से, लेकिन किसी तरह से सुनना नहीं चाह रहा है। बोले देखो, तेरे को पता नहीं, तुम झूठ नहीं बोलता, मेरे जितने संतान होगा ना, सारे संतान तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये देवकी को मत मार। उसने छोड़ दिया। लेकिन जब उसको पहला बेटा हुआ, उसने पहला बेटा कंस को दे दिया। कंस का हृदय द्रवीभूत हो गया, बेटे को मृत्यु का हाथ में। बोले तू इसको ले जा, अष्टम गर्भ का संतान देना। इतने में नारद जी ने देखा, भैया इसका हृदय में तो भक्ति की दया की भावना आ रही है, जब तक पाप की घड़ा नहीं भरेगा ना, तब तक ठाकुर नहीं आएंगे। इतने में नारद जी आकर के बोले देखो देखो, ये कमल फूल, इसमें आठ पंखुड़ियां, बताओ तो इसमें पहला कौन, आठवां कौन? बोले गुरु जी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बोले उल्टा से गिनो। बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बोले गुरु जी क्या बताना चाहते हो? बोले समझ में नहीं आ रहा है, ये देवता का बात समझना बड़ा कठिन है, अगर वो उल्टा से गिने तो जिसको एक कर तो आठ हो जाएगा। बोले गुरु जी सबको मार दूं? बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता, तेरे बात जानता है। नारद जी भड़का करके चले गए और उसने छः छः बच्चों को मार दिया। देखो उनने छः बच्चों को क्यों मारे और ये छः बच्चे का मतलब क्या? कहते अगर अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आते हैं, बोले अगर कोई हृदय में भगवान को बैठना चाहते हैं, पहले छः बच्चों को मारो। ये कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, पहले इसको हृदय से पहले मारो। बोले सप्तम गर्भ में कौन? बोले बलदेव। बोले बलदेव कौन है? ये धाम स्वरूप है, भगवान की संधिनी शक्ति, भगवान की संधिनी शक्ति का अधिष्ठान देवता, भगवान को जो धारण करते हैं, इसी बलदेव प्रभु ये हैं, जो पंच रस और दस शरीर से सेवा करते ठाकुर जी को। इसलिए ये पहले भगवान को हृदय में बलदेव प्रभु ही धारण करेंगे। और अष्टम गर्भ में कौन आए? बोले भगवान कृष्ण आते। बोले इसका मतलब क्या है? हाँ सुन लो अच्छे तरह से, कल मैं आपको पूछूंगा कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए, देखूंगा कौन मेरे को बता पाता है। ध्यान देकर सुनो, जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट होता है, ये भक्ति का भी कुछ सीढ़ियाँ सोपान है। भक्ति का जो सबसे पहला सीढ़ी है श्रद्धा, जैसे श्रद्धा है तभी हम यहाँ कर बैठे। भक्ति का सबसे पहले श्रद्धा है, यहीं से बीज शुरू होती है, उसके बाद में साधु संग, श्रद्धा है बैठे, फिर हरिकथा सुने साधु संग, उसके बाद में फिर जब हमें पता चलता है हम कौन है, कहाँ से आए, भैया जाना कहाँ, पहले जिनको बोल रहे थे पिता माता गए कहाँ, एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। पर ये दुनिया है क्या जी? अगर अपना होता तो क्यों सबके सब चले गए? फिर जब पता चलता है हम सबके सब भगवान के औलाद है, भगवान को भूलने का वजह से संसार में आए और दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, फिर क्या करता है? तीसरा स्टेज भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है। जब प्रभु की भक्ति करता है, चौथा स्टेज क्या? जब प्रभु की भक्ति करोगे, हृदय में जो काम क्रोध लोभ जो अनर्थ ये दूर होएगा। उसके बाद में फिर रुचि, रुचि मतलब अच्छी अच्छी लगना। अब ऐसे देखो, जैसे भगवान की भक्ति भजन में मन नहीं लगता है,
लेकिन किसी टीवी को सामने बैठ जाओ, कोई झूठ मूठ का चीज एक सीरियल देखो, बेकार कुछ नहीं झूठ मूठ का, लेकिन 3-3 घंटा उसमें बिता देते हैं। लेकिन बोलो प्रभु का भजन करो, 1 मिनट मन नहीं लगता है, मन चंचल है, कब खत्म हो माला, अभी तक खत्म नहीं हो रहा, रोटी ठंडा हो रही है, मन नहीं लगती है। क्यों? कारण है ये हृदय में पाप बैठा हुआ है, हृदय में ये अनर्थ काम क्रोध बैठा हुआ है। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाएगी, भगवान का नाम इतने मीठा लगने लग जाएगी, फिर छुटेगी नहीं। उसको बाद में आती है निष्ठा, सब छठवां स्टेज में। निष्ठा मतलब क्या है? भक्ति तुम्हारी इतने पक्की हो जाएगी, इतने पक्की हो जाएगी, साला भले ही सारा दुनिया तुम्हारी विरोध में चले जाए, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़ोगे। जैसे मीरा जब भजन की, उसको जेठ देवर ननद सब उसको विरोध में लग गए, गांव के कुत्ता तक भी छोड़ा नहीं। आप देखना इसी जगत में, बेटा अगर शराब पीता है ना, जुआ खेलता, सिगरेट पीता, वेरी गुड, लेकिन अगर कलम तो कंठी माला पहन ले, ये कौन सा उम्र होगी भजन करने की? अभी से क्या हरी हरी भगवान के भजन करना शुरू कर, ये बड़ा दुनिया बड़ा गड़बड़ी है। निष्ठा मतलब होता है भले ही दुनिया में जितने विरोध हो जाए, लेकिन अपना भजन कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई हुई, लेकिन जितने जोर से पिटाई हो रही थी उतना जोर से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। निष्ठा। और जो सप्तम स्टेज भाव, मतलब भावावस्था में कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलती है, कभी कभी ऐसे उसको लगता है जैसे ठाकुर जी हमें स्पर्श किया, उनका रोंगट खड़े हो जाती है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है ठाकुर जी आए और अधरा मृत हमें पिला करके चले गए, अपना होठ को चटना शुरू कर देता है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए और उनकी रूप को देखकर आंख चकाचौंध हो जाता है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है ठाकुर जी की चरण की जो नुपुर का छमछम छमछम आवाज सुना, की भावावस्था में सब चीज। और प्रेमावस्था में साक्षात भगवान उसके हृदय में साक्षात दर्शन देते हैं। इसलिए कृष्ण जो अष्टम स्टेज में आए, मतलब है, मतलब अष्टम स्टेज में ही कृष्ण दर्शन है। अभी भगवान कृष्ण आएंगे, जब भगवान आते हैं साधारण कोई मिनिस्टर आए, देखना उनके लिए कितना सजावट है। अभी सारा दुनिया की मालिक आने वाले, कद ये वृंदावन धाम दुल्हन की जैसे सज गई और जितने फल फूल से लद गई, और एक ऋतु में सारे जुई चमेली बेली सारे फूल खिल गई। यमुना नदी की आनंद का कोई सीमा नहीं है, वो कलकल नाद से बह रही है और भगवान की जयकार दे रहा है। बोलो श्री कृष्ण के नैया लाल की, अरे भगवान आ रहे हैं, अब आनंद नहीं आ रहा है, पर जयकार जोर से बोलो ना, बोलो श्री कृष्ण के नैया लाल की। इतने में सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा है और इतने में कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन रात में कमल फूल खिल गया। चंद्रमा प्रकट होते हैं अष्टमी रात में, भगवान आए बुधवार भादो की महीना, अष्टमा चंद्रमा आधा होती है, लेकिन आज पूर्ण चंद्रमा रूप में प्रकट हो। बोले क्यों? आज मेरे कुल में ठाकुर जी आने वाले हैं, ठाकुर जी कुल में आएंगे। इतने में जिस समय कलकल नाथ से जमुना बह रही थी, बोली जमुना क्यों खुश हो रही थी? बोले भगवान मेरे को पटरानी बनाएंगे, उनकी मैं सखी बनूंगी। लेकिन जो और जितने गंगा सरस्वती नर्मदा सिंधु का बोली, वो भी खुश हुए। बोले क्यों? वो क्यों खुश हुए? बोले उनकी सबसे बड़ी जो बहनी है जमुना, जब कृष्ण की शादी जमुना के साथ में होगी, हम उनकी छोटी बहनी, हम उनकी साली बन जाएंगे। आप देखना दामाद कभी कभी पत्नी से ज्यादा साली को भी कभी कभी ज्यादा प्रेम कर लेते हैं। इसलिए हम साली बनने का ठाकुर जी की, ठाकुर हमें भी प्रेम करेंगे। इसलिए सारे नदी प्रसन्न हो रहे थे और विशेष करके आकाश में जो काला मेघ छा जाए ना, चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। बोले कौन? बोले मोर। मोर कब नृत्य करता है आकाश में काला मेघ देख करके? बोले ये मोर कौन? बोले भोले बाबा स्वयं। तीसरा व्यक्ति खुश होता है, बोले कौन? बोले चातक, क्योंकि किसी नदी का पानी नहीं, वो स्वाधीन क्षेत्र का पानी पीता है, ये चातक को कौन? बोले नारद आदि भक्त वृंद। तीसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है जब जंगल में आग लग जाए, हाथी को बड़ा कष्ट होता है,
लेकिन जब आकाश में मेघ छा जाए ना, बारिश ही हो तभी आग का जंगल का बुझती है। कहती यहाँ पर हाथी कौन है? बोले ये इंद्र चंद्र जितने देवता लोग। चौथा व्यक्ति प्रसन्न होता है किसान, क्योंकि किसान बीज बोता है, बारिश नहीं हो तो खत्म हो जाएगा। बोले यहाँ पर किसान कौन? बोले स्वयं ब्रह्मा जी, ये दुनिया को ब्रह्मा जी सृष्टि किए, लेकिन दैत्य लोग आकर के बड़े उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन जब देखा भगवान कृष्ण रूपी मेघ आकाश में छा गया, भगवान जन्म लेने वाले, सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा है, और इतने में भगवान कारागार में भगवान प्रकट होते हैं। ले आओ तो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय कृष्ण जन्म हुए, कल से राधा रानी जन्म लेगी। आज कौन सा रंग की साड़ी पहने हो? पीला। कल सबके सब गुलाबी रंग की साड़ी पहनना, क्योंकि राधा रानी का जो चुंदरी है ना गुलाब रंग, और ये जो प्रेम का जो रंग है गुलाब रंग है। देखो हमारे जो रंग है कौन सा? गुलाबी रंग है। क्यों? राधा रानी का जो प्रेम अनुराग, जैसे गुलाब होता ना, गुलाब मतलब अनुराग का रंग है, इसलिए कल सबके सब अनुराग रंग में रंग करके आना। बोले श्री कृष्ण कन्हैया दो चेयर ला करके देखो, चेयर है चेयर को यहाँ से लेकर के नीचे देखो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, स्वागत खड़े हो जाओ। अभी प्रभु जी बड़े सुंदर बधाई गाएंगे, बधाई में भगवान जन्म हुए, बधाई में जो एक बार नाचेगा उसको 84 लाख जन्म नाचना बंद हो जाएगा। इसलिए सबके सब माताएं सबके सब आगे आ जाओ, अब प्रभु जी सुंदर बधाई गाएंगे। अभी बड़े सुंदर टफी और बड़े सुंदर खिलौना लाए हैं, उसको लुटाएंगे, फिर प्रसाद और आरती प्रसाद लेकर जाना। बोलो कृष्ण कन्हैया बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल मंत्र के नला की जय, सुख चल अंत के द्वार, ओ द्वार